मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, तुमने जो कहा अगर वो सच नहीं निकला तो मैं वहीं तुम्हारी धुलाई कर दूंगा। सुबह सुबह जल्दी उठना, नहा धोकर तैयार होना, पता है ना मुझे इसकी आदत नहीं। तू अपनी आंखों से देखना। अरे अरे आराम से ब्रेक लगा, कमर तोड़ेगा क्या ये, तू वहाँ जाकर देख, चल जा जल्दी। हे भगवान, इस वीडियो को वायरल करवा देना। ए, देख देख वो फोटो ले रहा है, देख सोशल मीडिया पर अपलोड करोगे क्या? हाँ ऐसा ही समझ लीजिए, पहले अपना चेहरा तो देखो। अरे वाह, ज्यादा स्मार्ट समझ रहा है। अरे देख 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 देख, आ रही आ रही आ रही आ रही है। अरे कनेक्ट करना करना जीतू। हाँ कनेक्ट हो गया। अच्छा हाँ, हाँ। अरे हटो हटो, सिर्फ तू ही देखेगा, मैं नहीं देखूं। दर्शक हूँ अभी हम लोग सुबह सुबह यहाँ श्री कृष्ण मंदिर अभी हाँ। पार्थसारथी मंदिर के सामने हैं। हाँ भाई, और मैं आपका दोस्त टाइटस है। और मैं आपका दोस्त जीतू। हाँ अबे जीतू, मेरा शर्ट मुझे वापस कर, 2 हफ्ते हो गए हैं। क्या है रे जीतू, लाइव में भी बेइज्जती करवा रहा है। दिखा दिखा तो मैथ्यू। अरे मैथ्यू, तूने शर्ट पैंट क्या दे दी, मेरी बेइज्जती करता रहेगा क्या ऑनलाइन? मेरी बेइज्जती कर रहा है, शर्म नहीं आ रही क्या तुझे? चल जा। रुक रुक रुक, मेरे प्रिय साथियों, कल्याणी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के जाने माने, आग से खेलने वाली, मन से मजबूत और अपने दिल में भक्ति भाव रखने वाली, कर्तव्यों का निर्वहन करने वाली हमारे अपनी यूनिवर्सिटी की चेयरपर्सन कुमारी आरती वर्मा जी का हम लोग यहाँ मंदिर के बाहर इंतजार कर रहे हैं। हमें लोगों को सच्चाई से रूबरू कराना है। इस मंदिर के पीछे से जो रास्ता जाता है वहाँ से हमारी हीरोइन यहाँ मंदिर में दर्शन करने आती है, और उसके इसी छलावे को आप सबके सामने लाने के लिए हम लोगों ने मेहनत की, यहाँ तक आए और ये लाइव शो कर रहे हैं। खुद ही सच्चाई देखिए। देखिए ये लोग जैसा बोल रहे वैसा नहीं है, मेरी आइडियोलॉजी और विचारधारा में कोई बदलाव नहीं है। आज मेरी माँ की 20वीं पुण्यतिथि है, पिताजी बोलते थे उनकी बलि चढ़ाई गई है, पर मैं ये सब नहीं मानती हूँ। मेरे पिताजी का मानना है उस बलिदान के प्रायश्चित के लिए तुम्हें मंदिर आना होगा, इसीलिए मैं भी उनकी ये बात रखने के लिए उनके साथ मंदिर चली आई। मुझे लगा ऐसा करने से उन्हें थोड़ा अच्छा लगेगा, और इन लोगों को लगता है कि मैं बदल गई हूँ, पर ऐसी कोई भी बात नहीं, और आप इनकी बात में नहीं आएंगे मैं जानती हूँ। ओके बाय बाय। ऐसे जेब में रख ले। अरे वाह, सब लोग आए हुए, क्या बात है। देखिए ना पिताजी, मेरा नेता बनने के सपने का मजाक उड़ा रहे और फिजूल की बातें फैला रहे हैं। ये क्या जीतू, मेरी बेटी का नेता बनने का सपना तोड़ दोगे? आप ही उनके साथ मिलके मेरा मजाक उड़ा रहे ना। श्री कृष्णपुरम के कल के होने वाले डॉक्टर हो तुम सब, लेकिन अभी तक बचपना नहीं गया है। ये सब तो मजाक के लिए कर रहे थे अंकल, वैसे आरती तो हमारे लिए नेता ही है। आ जाओ घर चलते हैं, ब्रेकफास्ट करके जाना तुम लोग। अरे नहीं नहीं, मुझे जाना है, आपके यहाँ भिंडी और बैंगन की सब्जी बनी होगी, और सुबह सुबह कम से कम मुझे पराठे और अंडे की सब्जी चाहिए ही चाहिए। वैसे भी तुमको बुला कौन रहा है, चलिए पिताजी चलते हैं। चलते हैं हम लोग। बहुत साल बीत चुके हैं ना पिताजी, माया माँ को गुजरे हुए। हाँ 21 साल गुजर गए। बेटी चलकर कुछ खाना खा लो, कॉलेज जाने का टाइम हो गया। जाओ बेटी तुम। आप कुछ नहीं खाएंगे? इसे खिला दो, मैं आता हूँ। ठीक है आओ। मुझसे 1 साल छोटी थी माया, 21 साल पहले जो हादसा हुआ था मैं उसे अब भी भूल नहीं पाई हूँ। जब तू कोख में थी तब मैं भी उन लोगों के साथ हॉस्पिटल गई थी। डॉक्टर ने पहले बता दिया था कि उसे फीट आ सकता है और उसे अबॉर्शन करा देना चाहिए, लेकिन माया ने मंजूरी नहीं दी। अगर मंजूरी दी होती तो आज मैं इस दुनिया में नहीं होती ना माँ। ये सब नसीब की बात है, तुम्हें जन्म देने के बाद तुम्हारी शक्ल देखे बिना ही वो हमें छोड़ के चले गए। तुम खाना खाओ। अरे राम्या तुम आओ बैठो। हैप्पी बर्थडे आरती। हैप्पी बर्थडे जैसा कुछ नहीं राम्या, आज मेरी माँ की पुण्यतिथि है। ओ मैं तो भूल ही गई थी, सॉरी। वो सब छोड़ो, कुछ खाया तुमने? नहीं घर पर बन रहा है, वैसे भी मुझे आंटी के हाथ का खाना बहुत पसंद है। सुंदरी एक प्लेट नाश्ता और लाना। भैया इडली में इतनी चटनी कोई डालता है क्या? वो क्या है ना, हमारे परिवार में इसी तरह से खाते हैं। आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा धीरे खाइए ना, अटक गया ना गले में। ओ ये इतना सारा खाना कैसे खा सकते हैं, सुबह तो इन्होंने बासी खाना खाया था, फिर नारियल खाया और अब ये। मेरे खाने पर नजर मत लगाओ। देखो सुंदरी, जो पेट भर के खाता ना उसकी तारीफ करना सीखो पहले। ओ
वैसे भी ऐसा शहर है जहाँ एक इडली बड़ी मुश्किल से मिलती, तो उसकी इज्जत करनी चाहिए ना। हाँ हाँ पता है मुझे, दोपहर में थाली भर के चावल खाएंगे, फिर रात में ढेर सारी रोटियाँ खाएंगे आप। अगर टोकती हूँ तो इन्हें मेरी नजर लग जाती है। ऐसा भी हो सकता है ना कि इनके शरीर में कोई भूत घुस गया हो। अरे भूत कैसे घुस सकता है, हर जगह तो इन्होंने ताबीज जो पहनी हुई है, भूत की क्या मजा है। उंगलियों को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। देखो तो कितने शान से डकार दे रहे हैं, इनका पेट तो कभी नहीं भरेगा भुक्कड़ कहीं के। लगता है इनको कुछ करना पड़ेगा। अरे तुम जैसे लोगों को डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए किसने कहा था? अबे बस कर, मजाक करना बंद कर, मेरी बात सुन। जब कोई आत्मा की बात करता है ना तो मुझे कुछ कुछ होने लगता है, तो मेरी बात समझ क्यों नहीं रहा है? अरे ये सब पागलपन है, ये सब मना कर। अरे कहीं का, अरे ये लोग यहाँ सच में डॉक्टर की पढ़ाई करने आए हैं क्या? सही से बैठ सकते नहीं और डॉक्टर बनेंगे? ऐसा क्या हुआ बे, सुबह सुबह अपनी कहानी शुरू कर दी। ए जीतू, देख अपने बाप के बारे में इस तरह कहानी बना के मत सुना हमको। तू मेरे पिताजी के बारे में नहीं जानता है क्या? वो मेरे पिताजी की आत्मा थी, मैं झूठ क्यों बोलूंगा तुम लोगों से? चलो अच्छा, वो तुम्हें कोई काम तो मिला? इस आत्मा के बहाने तुम कुछ पैसे कमा सकते हो? अरे पैसे कमाने के आइडियाज तू देगा क्या मुझे? मैं क्या कोई आत्माओं का एजेंट हूँ क्या? वैद्य कहा? वैद्य होगा तेरा बाप, डॉक्टर बोलो। डॉक्टर क्या हो गया डॉक्टर साहब? ए अटल बिहारी, आराम से ब्रेक मारनी चाहिए थी ना। तुझे ड्राइवर किसने बनाया बे? पूरे कॉलेज में दौड़ा कर मारूंगा, तू जानता है मैं कौन हूँ? जो संस्कारी नहीं है और संस्कार की बातें करता है उसी का बेटा है तू। संस्कार क्या होता है अभी दिखाता हूँ तुझे। ऐसे सुबह सुबह गिरे क्यों हो? अगर इस तरह के पागल लोगों को ड्राइवर बना दिया जाएगा तो गिरना ही होगा ना। अच्छा टाइटस, सुनो मुझे इसके साथ कुछ बात करनी है, तुम जरा वहाँ बैठोगे? नो। अरे यार प्लीज बैठो ना, मेरी बात मानो ना। बिल्कुल नहीं। अरे बहुत जरूरी बात करनी है यार। अरे तो यहाँ बैठ जाओ ना। अरे पैर से क्यों दबा रहे, मुंह से बोल देना। चलो हटो, चलो चलो हटो हटो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे इस बारे में बात नहीं, मैं यहाँ बैठता हूँ। वैसे मुझे यहाँ बैठना पसंद है। पता है मुझे लगा ही था। बोलो क्या बोलना है तुम्हें? क्या बोलना था? अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हें कुछ बोलना है। मुझे कुछ बोलना नहीं था, पीछे की सीट पे बहुत गर्मी होती है इसलिए मैंने ऐसा किया। ओ यहाँ पे कौन सा ठंड है? ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तुम मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं यहाँ पर बैठा। अबे गड्ढे देखकर गाड़ी चलाना गधे ड्राइवर। ये क्या फालतू गिरी है बे? कॉलेज आ गया इसीलिए ब्रेक मारा। कॉलेज आ गया? और वैद्य नहीं बोलना, डॉक्टर बोल। समझा क्या? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। क्या बोला? ब्रेक के बारे में बोल रहा था। वैसे तुम्हारे ऊपर साड़ी बहुत अच्छी लगती है, क्यों बदल लिया? और मैंने कहा भी तो था कि साड़ी मत बदलना। इसलिए मैंने बदल लिया। ओ, क्या बात है, आज मूड ठीक नहीं है। आरती तुम्हें पता है जीतू क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? इसने अपने पिता की आत्मा की आवाज सुनी है। तुम ही बताओ मरे हुए आदमी से कोई बात कर सकता है? मरे हुए व्यक्ति से? अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने ठीक से सुना भी। मैं सच कहूँ तो मैं वहाँ अपने मामा के साथ गया था। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर एक स्वामी जी दिखाई दिए। स्वामी जी मुझे एक कमरे में ले गए और उन्होंने चुप रहो, बात भी नहीं करने देते। तो बाबा जी ने मेरे हाथ में किताब रख दी और मुझसे कई सवाल किए। फिर मैं अपने पिताजी के बारे में सोचने लगा। मैं आँख बंद करके उनके बारे में सोच ही रहा था कि पिताजी ने पीछे से आवाज दी, कसम से। हाँ तो फेंक फेंक फेंक, मैं लपेटता हूँ, इस हफ्ते का सबसे बड़ा फेंक हुआ ही है। मेरी कोई भी बात नहीं मानते हो तुम लोग। अरे जीतो ये तुम क्या बोल रहे हो यार? हा? सच कह रहा हूँ आरती, कहो तो साबित कर दूँ। वैसे भी तुम यहाँ की चेयरपर्सन हो, टेस्ट कर लो। टेस्ट करने के बाद तुझे यहाँ पर बिना कपड़ों के चलना होगा, मंजूर है तो बोल। इसकी जरूरत है क्या? ये सब क्या है, ये सब फालतू बातें हैं, इसकी क्या जरूरत? लेकिन मुझे है। अब तू डर गया क्या? अबे फेंकू चंद, आजकल तो कुछ ज्यादा ही फेंकने लगा है। अरे जो भी हो, अब तो मैं टेस्ट के लिए तैयार हूँ ना, प्रूव करके ही मानूंगा अपनी बात, समझा? अरे जीतू ये सब एक सेटअप है, जो हमारे बारे में नहीं जानते वो इस तरीके से हमारे बारे में जान लेते हैं और भगवान का झांसा देकर फंसा देते हैं, और कुछ लोग उस पे भरोसा भी करते हैं। सुनो आरती, कुछ दिनों से तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये इतना कॉन्फिडेंस से कह रहा है, क्यों ना हम भी ट्राई करें? मैं तो रेडी हूँ, इस वजह से मैं अपनी माँ की आवाज़ भी सुन लूंगी। अगर ऐसा है तो मैं भी रेडी हूँ। मैं तो अपने नाना से बात करूंगा, उन्होंने बहुत सारा पैसा छुपा के रखा है, अगर वो मिल गया ना आधा तुझे दूंगा। अरे वाह, ऐसा है तो चलो उनसे बात करते हैं। ले लेना। सारा जमाना आ जाओ, यही है वो जगह जिसके बारे में बताया था। अरे कहाँ आ गई, आंखें खोल कर देख लो, यही है नरेंद्र प्रसाद जी का घर। अच्छा हुआ हम लोग यहाँ आ गए, है ना? यहाँ आत्माएं ग्रुप में घूमती है ना। अरे तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही है ना? सही है। रुको, वो
वहाँ खड़े हैं हमारे तिनमय बाबा, वो देख के ही सब बता देते हैं। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि कोई देवी। मैंने कोई देवी वेवी का नाम नहीं लिया, यहाँ तो सिर्फ इन्हीं की चलती है। बहुत सालों पहले उन्होंने ये आश्रम शुरू किया था, हम बस घूमते घामते यहाँ आ गए थे। आओ चलो, सीधा जाना है ना? सीधा सीधा आ जाओ। कोई भी चीज़। अच्छा, कौन हो तुम लोग, क्या चाहिए? स्वामी जी, मैं अपने बड़े पापा से मिलने आया हूँ। तुम्हारे ताऊजी यहाँ पर? अरे नहीं नहीं, मुझे मेरे ताऊजी की आत्मा से बात करनी है। तो उनकी आत्मा काम करती होगी? ऐसा नहीं है चिन्मय स्वामी जी। चिन्मय नहीं, चिन्मय स्वामी, चिन्मय। हाँ ठीक है। तुम राजेंद्र पिल्लई के कौन हो? मैं भतीजा। ठीक है, तो फिर आ जाओ। हाँ ठीक है, चलिए। स्वामी जी, मैंने आपको फोन किया था तो आपने शाम को मिलने को बुलाया था। यहाँ दिन में हजारों लोग फोन करते हैं पर दो को ही परमिशन मिलती है। इसका मामा ही इस आश्रम का इंजीनियर है, इसीलिए मैं इसे मना भी नहीं कर सकता। पर देखो, देवी से मिलने की कोई गारंटी नहीं है। दरअसल स्वामी जी, यहाँ पर आत्मा को बुलाकर उससे बात करवाते हैं ना, उसी सिलसिले में हम यहाँ आए हुए हैं। ये रिश्तेदारों की आत्मा से बात करना चाहते हैं। बस यही बात है, ये तो मैं ही देख लूंगा, देवी से मिलने की जरूरत नहीं है। ये सब सच है क्या? वाकई आत्मा आकर बात करती है क्या? इसमें शक की क्या बात है? हमारा दिमाग जितना सोचता और करता है ना, उससे परे की चीज है वो। सौम्यनी देवी सब कुछ जानती हैं और उनकी शक्ति के सामने हर कोई नतमस्तक होता है। ऐसा कोई काम नहीं जो वो नहीं कर सकती। आत्मा से किसे बात करनी है? स्वामी जी, मेरी बात हो जाती तो बड़ी कृपा होती। बात नहीं हो सकती है, किसे करनी है बात? मुझे मुझे मुझे। ठीक है, तुम आ जाओ। तुम्हारा नंबर है? तो आता हूँ फिर टेस्ट करके। सुन, मजाक समझने की भूल मत करना, होशियार रहना। इससे पहले जो आया था ना, वो हॉस्पिटल में पड़ा है, पागल हो गया। अरे शुभ शुभ बोल। अरे ये किसकी मूर्ति है? ये यहाँ की आराधना मूर्ति, दूसरी मूर्तियों की तरह नहीं है, नेगेटिव पावर मूर्ति की यहाँ पर पूजा करते हैं। खड़े होने का अंदाज देख रहे हो? ये कोई पूजा करने की जगह है क्या? कुछ भी हो, लेकिन पावर बहुत ज्यादा है, एक तीर दो निशाने जैसा। लेकिन इस भगवान का नाम क्या है? यमगंट भार्गव। यमगंट भार्गव, ये कौन से भगवान? यमगंट भार्गव नहीं, यमगंट भैरव। शैतानों का नाश करने वाले की मूर्ति है ये। इनकी पूजा से सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। बकरे का रक्त और मदिरा से इनका अभिषेक होता है। सौम्यनी देवी बुलाएंगी तो उनकी बात सुनेगा ये भैरव। क्या हुआ? बताओ बताओ। आत्मा आई थी क्या? तुमने बात की? यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ताऊजी नहीं आए। ओह तो ये बात है, मैं जानता था कि तू जो बता रहा है वो झूठ है। झूठ नहीं बोला, ऐसे कैसे नहीं आए होंगे? देखो, जब इसके पापा जिंदा थे तब इसने उनको पत्थर से मारा था। ऐसी औलाद से मिलने के लिए कोई बाप आएगा क्या? मार डालूंगा तुझे। यहाँ हर आत्मा आ जाए ये आवश्यक नहीं है। ओ, तो आरती इस बार तुम जाओ। हाँ, देखते हैं ये सच है झूठ है। जाओ, तुम आ जाओ बेटी। जय हो मां। डरो मत बेटी, आ जाओ बैठो यहाँ। अब अपने दोनों हाथ इस ग्रंथ पर रखो, फिर अपनी माँ को याद करने का प्रयास करो। इससे पहले आंखें बंद करो, मैं बाहर जाता हूँ। माही हो ना, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना, जब तुम्हारा जन्म हुआ मेरी मौत हो गई थी। मैंने नवरत्नों से जड़ा हुआ एक कंगन तुम्हारे पिताजी को दिया था, उन्होंने वो जेवर के बक्से में रखा होगा। तुम जाकर देखना, तुम्हें तुम्हारी माँ की बातों पर विश्वास हो जाएगा।
दक्षिण दिशा के कमरे में माँ का कंगन था ना? हे भगवान, तूने मुझसे पूछे बगैर उस कमरे को खोल दिया। उस कमरे को खोलने की किसी को इजाजत नहीं है। खोल दिया तो क्या हुआ? होगा तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उस कमरे को कोई खोलता नहीं है। इस परिवार के सबसे बड़े बेटे का नाम था देवेंद्र, जो बहुत बड़े चित्रकार थे। उनके कुछ पुराने चित्र और कुछ पुरानी चीजें अभी भी उस रूम में रखे हुए हैं। वो सब मैंने देखा, लेकिन मुझे बताओ उस पेटी में जो कंगन था वो कहाँ है? उस कंगन के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? उन्होंने बताया? कहाँ है बता दो ना माँ तुम। उन्होंने वो कंगन भद्रकाली के मंदिर में रखे थे। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए वो कंगन बनवाए थे, लेकिन माया की मौत के बाद से वो कंगन मंदिर में ही रखे हैं। वो छोड़ो बेटा, तुम आओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। चलो आ जाओ। माँ मैं अभी आती हूँ। कितनी हिम्मत है ये लड़की। बोला दरवाजा ठीक से लॉक कर। हाँ, ठीक है, चलो तुम। अरे हटो रे, हटो। ए, चलो। ये किसी से भी नहीं डरने वाले, कितनी हिम्मत है देखो। इतने सारे कहाँ से आ गए? ये तो ज्यादातर रात में ही आते होंगे ना। यहाँ रुकना ठीक नहीं है, चलो हम लोग चलते हैं। चलो अभी चलो। एक वक्त था जब यहाँ रोज पूजा पाठ होते थे। तुम बिल्कुल अपने पिताजी की तरह हो। उन्हें भी किसी की व्यापार पर विश्वास नहीं होता था, लेकिन उनकी सोच बदलने लगी है और पुजारी जी का कहना मानते हैं। साल में एक बार पूजा होती है, तब तक दरवाजा बंद रहता है। पूजा से पहले दरवाजा नहीं खोलते, ये बात तुम्हें नहीं पता क्या आरती? अरे आजकल के नौजवानों को आस्था के बारे में पता ही क्या होता है। कौन है? Hey!
आरती, क्या हुआ बेटा? कुछ कुछ नहीं आंटी। अरे बात क्या है? हाँ बताओ तो सही। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ आया हूँ। बताओ ना क्या बात है। अरे मैंने कल फोन पर तुम्हें कुछ बताया था ना, भूल गए तुम? ओह उस बारे में बोल रही हो क्या आरती? तुम अभी भी वो नहीं भूली? ये सब तुम्हारे मन का भ्रम है और मैंने तुम्हें इसके पीछे का लॉजिक भी बताया था। फिर भी कल रात को मैं बहुत डर गई थी। अब आई ना रास्ते पर, तुम तो बहुत बहादुर हो, अब कहाँ गई तुम्हारी बहादुरी? चारे। सुनो पहली बात तो उस मंदिर के बारे में कितनी सारी कहानियां हैं, लाश के बारे में, आत्मा के बारे में, तांत्रिक के बारे में। लेकिन इसमें मेरा क्या है? है ना, दरअसल तुम ऐसे परिवार में पैदा हुई हो जहाँ ये सब बहुत मानते हैं। लेकिन मैं वहाँ पैदा हुई हूँ इसीलिए आइडियोलॉजी बदल देती हूँ। आइडियोलॉजी के बारे में बात करोगी तो हमें बहस हो जाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है तुम इस तरह के माहौल में हो ना कि तुम्हें वो सोचने पे मजबूर कर रहा है। मुझे मजबूर कर रहा है? बात वो नहीं है, तुम ऐसे माहौल में पली बड़ी हो कि ये सब तुम्हारे साथ होना लाजमी है। तुमने कभी डिस्पेंसरी टेस्ट बुक को पढ़ा है क्या? क्या लिखा रहता है उसमें? देयर इज स्ट्रॉन्ग इनविजिबल कनेक्शन बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड थॉट क्रिएटेड इन। हेलो तुम मुझे ज्यादा मत सिखाओ। हाँ कल रात जो मेरे साथ हुआ था वो मैंने तुम्हें सब बताया था, और जो कुछ हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा था। रात में मैं कैसे अकेली सोऊंगी यही सोच के डर लग रहा है। ओह तो बात ये है, एक काम करता हूँ मैं तुम्हारे घर आऊँ क्या? रात में 11 बजे के बाद मैं आ जाऊंगा, उसके बाद हम एक दूसरे को जकड़ के सोएंगे। सुनो गोपी, मैं भी साथ चलूं क्या? रहने दे, मैं अकेला काफी हूँ, जाना यहाँ से। इज्जत की वाट लगा रहा है, जकड़ के सोना होना ये सब शादी के बाद। ये सब करने के लिए शादी की क्या जरूरत है? क्या कहा तुमने? नहीं मेरा मतलब ये है कि तुम्हें यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है तुम किसी बाबा से ताबीज पहन लो, उसके बाद थोड़ा सा। क्या थोड़ा सा? थोड़ा सा क्या बताओ? थोड़ा सा, थोड़ा सा। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। मिल गया, सच में मिल गया, इस डॉक्टर दामो प्रिंसिपल की वजह से मिल गया है। क्या हो गया सर? लाश। इनको कुछ बोलने की जगह लास्ट लास्ट बोलकर मुझे कंफ्यूज मत कीजिए। अरे मेरा वो मतलब नहीं था। तो इस कॉलेज में अच्छी एनाटॉमी लैब नहीं है और सीखने के लिए लाश नहीं है, यही तुम लोगों की कंप्लेंट थी, इसलिए इस कॉलेज में एनाटॉमी लैब रीओपन करने जा रहा हूँ सीखने के लिए दो जिंदा डेड बॉडी के साथ। जिंदा डेड बॉडी? हाँ 100-120 किलो के लगभग होगा। कहीं से चुराया होगा? एक कोप्स ना मिलने की वजह से कॉलेज की क्या हालत बनाकर रखी है, बहुत उछल रहे थे, अलग से एंट्री देंगे, मीडिया को बुलाएंगे, पोस्टर लगवाएंगे। तुम लोगों ने दीवार पर क्या लिख कर रखा था कि इस तरफ से जाएंगे तो प्रिंसिपल की बॉडी से हम एनाटॉमी सीखेंगे? अरे इस तरह से लिखने की क्या जरूरत थी तुम्हारी? सॉरी सॉरी, इसका जवाब तो चेयरपर्सन को ही देना होगा। क्यों? क्या सर, कब से एनाटॉमी लैब बंद रखी है, इसलिए तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके लिए तुम लोग आजादी की लड़ाई के स्वतंत्रता सेनानी हो। सर लेकिन हमारी कॉलेज की सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए सर। अरे सुविधाएं तो बढ़ेंगी, उसके लिए तो सारा इंतजाम कर रहे हैं। आरती तुमने देखा नहीं, इसलिए कहता हूँ कि तुम लोगों के पास दिमाग नहीं है। सर यहाँ से जो भी निकलते हैं वो सिर्फ हड्डियों के डॉक्टर हैं, ऐसा लोग कहते हैं। अरे क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम जैसे बेअकले लोग जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अरे डॉक्टर की पढ़ाई के लिए दिमाग में थोड़ी सी मिट्टी तो होनी चाहिए ना। सर दिमाग में नहीं, बैंक में थोड़ा पैसा डॉक्टर बनने के लिए। तुम मंत्री मुथैया के बेटे हो ना, तुम्हारे पास तो बहुत पैसे होंगे। हाँ सर मैंने पैसे देकर ही एडमिशन खरीदा था। सर वैसे आपने जहाँ से डिग्री खरीदी उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या था? अब जालियांवाला बाग यूनिवर्सिटी। जालियांवाला क्या? अरे ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो, ये दिखाने वाली बॉडी नहीं है, लाश रखकर ही पढ़ाई करनी है। और प्रिंसिपल साहब भी डिग्री लेने के लिए आ, सर यहाँ बोलने की जरूरत नहीं, द कैडावर इज वेटिंग फॉर यू, प्लीज गो टू द लैब, कम ऑन फास्ट। चलो भाई आ जाओ। करेक्ट बोला ना? हो गया? हाँ हो गया सर। हाँ उन लोगों को बुला कर ले आओ, उस समय तो बहुत बकवास कर रहे थे। इस डेड बॉडी के ऊपर शर्ट डाला होता तो अच्छा होता है ना। स्टूडेंट्स लेट अस गो थ्रू द एब्डोमिनस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। तुम लोग उस तरफ खड़ी हो जाओ। गोपी टेक द टूल। मर्जी से आ जा रहे हो, ये तुम्हें कोई धर्मशाला लगती है क्या? सर अंदर कुछ प्रॉब्लम है सर। प्रॉब्लम?
कैसा प्रॉब्लम? सर आपने कहा था ना कि अंदर डेड बॉडी पड़ी है उसको काटो, अरे वो तो उल्टा हमको काटने को आ रहा है सर। जब आप जिंदा डेड बॉडी कह रहे थे तभी मुझे डाउट हो रहा था, लगता है उसे किसी ने बेहोशी का इंजेक्शन दिया था यार। सर जैसा उसने हमारे साथ किया ना कहीं हम लाश ना बन जाते। हम इसे नहीं छोड़ेंगे। हंगामा करने से पहले बताओ हुआ क्या है? एक हॉस्पिटल से सैंक्शन करवा कर उस ओरिजिनल डेड बॉडी को यहाँ लेकर आया हूँ। सर मैं सच बात कहूँ क्या? क्या वो एक सच में डेड बॉडी नहीं थी सर? तो फिर सोडा मिलेगा क्या? गला सूख रहा है। हेलो, अच्छा सुनो, तुमने जो बॉडी दी थी वो डेड बॉडी थी या जिंदा बॉडी थी? बच्चों ने उसे चीरने की कोशिश की थी लेकिन वो तो उठकर चल रहा है। अगर मैं फंस गया तो अकेले नहीं फंसूंगा, तुम्हें भी लूंगा। सर वो क्या है कि मैंने कुछ नहीं सुना। ये डेड बॉडी है या नहीं पता चल जाएगा, मैंने पुलिस को बुलाया। सर इसी ने पुलिस को बुलाया है? किसने बोला था बुलाने को? सर सुनो, यहाँ का इंचार्ज कौन है? एनाटॉमी लैब के इंचार्ज ये हैं सर। मैं तो एनाटॉमी लैब का इंचार्ज हूँ लेकिन पूरे कॉलेज के इंचार्ज हैं ये प्रिंसिपल डॉक्टर दामुल, MBBS, MD, FRCS, DEM, न्यूरो और कौन सी डिग्री थी? और कौन सी? हेलो हेलो, तुम दोनों मिलकर अगर इंस्पेक्टर बलराम को उल्लू बनाने का सोच रहे होगे। इंस्पेक्टर बलराम? बाल रमन। ओहो, बाल रामन है क्या? वैसे यहाँ पर मंत्री मुथैया का हबी कौन है? हबी? ये पूछ रहे हैं कि मंत्री मुथैया के हबी को टेस्ट के लिए लाए हैं? नहीं। क्या नहीं लाए हैं सर? हबी मतलब बच्चा, लड़का। ओ, लड़का। बच्चा। अच्छा तुम हो बेटा? तुम्हारे पिताजी मंत्री मुथैया जी ने मुझे फोन किया था। फोन आते ही मैं तुरंत आ गया जी। यहाँ एक लाश का केस है सर। लाश नहीं, कैडावर। क्या सर? वो कैडावर जिंदा हो गया सर। इनका कहना है कि एनाटॉमी लैब में कॉप्स ने इन पर हमला किया है। हमारा मतलब है लैब में कॉप्स? हाँ, यहाँ एक कॉप्स को सिखाने के लिए लेकर आया था, उसने इन लोगों पर हमला किया है ऐसा कह रहे हैं। क्या बोल रहे हो? मरे हुए इंसान ने हमला कर दिया, ये सच है? नशे में कोई कुछ बोलेगा तो आप पूछने चले आओगे क्या? तो फिर जो नशे में है उनकी तहकीकात करूँ? करूँ क्या? सेंट मेरी चर्च में से लाश लाने को तुमने अपने आदमी को भेजा कि नहीं? किसने? मैंने? कब? हाँ तुम ही हो। कल्याणी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की प्रिंसिपल ने वहाँ खुदाई करने के लिए वहाँ गंजे लोगों को भेजा था, ये 10 साल पहले की खबर है। वहाँ से बॉडी निकालने के बाद वहाँ पे नारियल का पेड़ लगाने का तुम लोगों ने नाटक किया और गांव वाले भी उसी जगह पर केले का पेड़ लगाने के लिए झगड़ रहे थे। मुझे सब पता है, तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, सबकी खबर लेने वाला हूँ मैं। तुम्हें कुछ याद? अरे मेरी याददाश्त खो चुकी है सर। तुम्हारी याददाश्त मैं वापस लाता हूँ। उस लाश को खोदने का काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अरे सर सच में वो बॉडी प्रॉपर पेपर के साथ लाई गई थी, सारे पेपर्स करेक्ट है। हा? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मुझे क्या पता? तो मुझे पता लगाना होगा, उससे पहले बॉडी को देखना है। लैब कहाँ है तुम्हारा? ऊपर है, लेकर जाओ इनको। आ जाओ चलो। मैं यही ठीक हूँ। अच्छा ये वही जगह है ना जहाँ सड़ी हुई लाशों को रखा जाता है? एनाटॉमी लैब। हाँ। प्रिंसिपल साहब पहले आप अंदर आइए। नहीं नहीं, इस जगह के इंचार्ज ये है ना सर, तो आप आ जाइए। वो तो आपको देखना है ना, मैं तो पहले ही देख चुका हूँ। तो हम एक काम करते हैं, हम सब एक साथ ही चलते हैं। अरे वाह, अच्छा आइडिया है, सब लोग साथ चलते हैं। आ जाओ। जाइए सर। अरे क्यों जाइए ना, मैं हूँ ना, आओ अंदर चलो। सरकार ने मुझे वीर चक्र दिया है। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए दिया है वो तुम्हें बाद में बताऊंगा। अरे ये क्या, बॉडी को ढक के रखना चाहिए ना, बहुत गंदी बदबू आ रही है। तुम लोग डरो मत, मैं हूं ना। देखा, इसी बेचारी लाश पर घूमने फिरने का इल्जाम ये लोग लगा रहे थे। मानना पड़ेगा बॉडी के हिसाब से पेट बहुत बड़ा है, लगता है खा खा के इसकी मौत हो गई है। देखो लड़को, इसके बॉडी में कोई हलचल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये? मुझे सब कुछ पता है, मुझे मंत्री जी का जैसे ही फोन आया मैं तुरंत यहाँ चला आया, समझे तुम लोग? बहलाल दोबारा ऐसे फालतू केस में मुझे मत बुलाना, मैं बहुत कड़क ऑफिसर हूँ, समझे तुम लोग? और सुनो बेटा, अपने पिताजी को बोल देना कि इंस्पेक्टर साहब आए थे और छानबीन करके चले गए। मैं निकलता हूँ सर। लेकिन मंत्री जी अगर पूछेंगे कि मैं यहाँ आया था, इसका सबूत क्या है, तो क्या बताओगे? एक काम करते हैं, हम सब मिलकर साथ में एक सेल्फी निकाल लेते हैं। आ जाइए सब लोग, आ जाओ। आ जाओ बेटा, सब लोग फ्रेम में आ जाओ, जरा स्माइल रखना। अरे लाइट चली गई, कोई बात नहीं, फ्लैश ऑन करता हूँ, मोबाइल में बहुत कुछ है, करता हूँ। अबे तू रुक जा, ये सब तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से हुआ है सब। पुलिस वाले को भूत के सामने भेजता है, तू प्रिंसिपल नहीं है, तू तो कसाई है, कसाई, तुझे छोड़ूंगा नहीं।
तुम लोग जो सवाल पूछ रहे हो उसका जवाब मेरे पास नहीं है। इसका जवाब देने के लिए देवी को खुद यहाँ आना पड़ेगा, पर आज उनसे नहीं मिल सकते। आप लोग कल आइएगा, आज देवी का मौन व्रत है। मौन व्रत है? सिर्फ एक मिनट के लिए बात कर सकते हैं क्या? सिर्फ एक मिनट के लिए? देखो आज ये बिल्कुल संभव नहीं है। देवी ना आज बोलेंगी और न ही किसी से मिलेंगी। किसी से नहीं बात करेंगी? मौन व्रत क्या होता है बताओ? कह रहे देश का प्रधानमंत्री भी आ जाए तो देवी मुंह नहीं खोलेंगी। आज रात पूजा होने के बाद ही देवी बात करेंगी। इस जन्म में भले ही देवी ब्रह्मचारी हैं, लेकिन उस आत्मा लोक में देवी का एक पति भी है। वो शैतान रूप में, काम स्वरूप में यमगण भैरव ही है। शुक्रवार की रात जब तीसरा पहर शुरू होता है तो देवी भैरव की पूजा करेंगी। बकरे के रक्त और शराब से वो उनका अभिषेक करेंगी और उस समय उनकी भावनाएं रति की तरह होंगी। पूजा के बाद देवी पर भैरव आएंगे और उन्हें आशीर्वाद देंगे। प्रत्येक शुक्रवार को भैरव के आशीर्वाद से सौमनी देवी की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। और अब आप लोग जाइए, कल आइएगा। चलो अब क्या करेंगे? वो देख। अरे तुम लोगों ने सुना ना कि वो स्वामी क्या बोल रहा था? हर शुक्रवार को पूजा करके देवी शक्ति प्राप्त करती हैं। सुनने लायक कहानी थी। मैं जब भी आश्रम में देवी के बारे में सुनता था ना, मुझे लगता था कोई बूढ़ी औरत। हाँ, मुझे भी। जब कभी भी देखो तुम लोग तीनों बस यही सोचते रहते हो। अरे उनके बारे में ऐसी बातें मत करो। ऐसी औरतों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, समझा क्या? अरे नहीं, तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लोग जैसा सोच रहे हो सौमिनी देवी वैसी साधारण नहीं है। अगर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से हमारी बातें सुन ली ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नींद आ रही है। चाय पिए क्या? लादे गाड़ी, मैं चलाता हूँ। बहुत लेट हो गया, मैं पिताजी से क्या कहूंगी? उसके बारे में तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें विश्वास होने लगा है, वो ये समझ जाएंगे। विश्वास? अरे कितना भी पूजा कर लेंगे, लेकिन इन सारी बातों में साइंस होता है। गोपी ने जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी का यूट्यूब वीडियो देखने के लिए कहा था, वो मैंने देख भी लिया। उसमें बहुत सी लाशें हैं ना? हाँ, उसमें क्या है? अरे ज्यादातर वीडियोस तो बकवास होती हैं। अरे क्या हुआ, किसी को लगा है क्या? वहाँ देखो, कोई आदमी नीचे गिरा हुआ है। लगता है वो मर गया होगा। यार अब क्या करें हम? हे भगवान, तुम रुको, मैं देखता हूँ। कोई मर गया है क्या? क्या हुआ? यहाँ कुछ भी नहीं है। क्या हुआ बताओ ना। अरे कुछ गड़बड़ है क्या? अरे यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अरे जीतू तुम जाकर देखो ना। जल्दी आजा, बैठ बैठ। अरे तुम बिना हैंड ब्रेक खींचे ही गए थे। अरे हैंड ब्रेक की बात नहीं है, वहाँ भूत है। क्या कह रहे हो? अरे वहाँ भूत है। लेकिन मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। वहाँ है, रुक जाओ मैं देखता हूँ। अरे मत जाओ। अरे क्या ये? मत जाओ। यहाँ कोई भूत भूत नहीं है, ये सब तेरा भ्रम है। देखो वहाँ वहाँ कहाँ? वहीं था। तुमने तो डरा ही दिया। अरे यार कुछ भी नहीं है यहाँ पर। चल चलते, चला जा गाड़ी, मैं चलाता हूँ। अरे पुलिस की गाड़ी। हाँ पता नहीं आधी रात को रास्ते पे क्या कर रहे हैं लोग। ए क्या चल रहा है इतनी रात को रास्ते पे, क्या हो रहा है? सर वो क्या है कि हमारी गाड़ी यहाँ। अरे बेटा तुम हो क्या? जी सर। मंत्री जी की तबीयत कैसी है? ठीक है सर। और यहाँ क्या कर रहे हो? सर हम जब आ रहे थे तो गाड़ी किसी चीज से टकरा गई, हमने रोक के देखा। टकरा गई? आदमी कहाँ है? सर दरअसल बात यह है कि जब हम उतरे तो वहाँ कोई नहीं दिखा। दिखा नहीं? झूठ मत बोलना, तुम्हारे लैब में बॉडी चाहिए इसलिए तुमने किसी को मार तो नहीं दिया ना? कोई बात तो सुनिए, जब मैं गाड़ी से उतर कर देखा तो वहाँ पर भूत खड़ा था। भूत भूत बोल के डराओ मत मुझे, देखो अंदर से मैं बहुत डरा हूँ। उस दिन कॉलेज में मेरे साथ क्या हुआ पता है ना? ओरिजिनल भूत है, फुल नेकेड। ओरिजिनल भूत है, फुल नेकेड है? इसका मतलब है तुमने किसी को मार कर उसकी बॉडी को ठिकाने पर लगा दिया है। तुम जानते नहीं हो मैं किसी से डरता नहीं हूँ। आधी रात को लड़की को लेके घूम रहे हो तुम? गाड़ी में बैठो, निकलो यहाँ से, मैं देख लूंगा। जाओ अभी निकलो।
अरे जाओ भाई जाओ। अपना गुड नाइट अपने पास रखो और सुनो, लड़की को पहले घर छोड़ दो और बीच में कहीं मत रुकना, समझे? बहुत भारी पड़ेगा। चलो चलो। सारे केस ऐसे ही मिलते हैं, तोड़ पानी करने का जुगाड़ ही नहीं हो रहा है। अरे चलो चलो, रात है तो क्या हुआ, डरने की बात नहीं है, इंस्पेक्टर तुम्हारे साथ है, गाड़ी स्टार्ट करो, चलो जल्दी। चलना क्या सोच रहा है, कैसे डरपोक लोग हैं ना ये। ये अगर डॉक्टर बनेंगे तो क्या होगा देश का, मेरी तरह हिम्मत होनी चाहिए। हाँ। अरे ये सारी बातें मुझे पता नहीं चाहिए थी, चुटकी में सब कुछ ठीक कर देता। वैसे तुम मेरे ताबीज का मजाक उड़ा रही थी, जो ठीक बात नहीं है। वैसे हमारे कॉलेज में एक ऐसा बंदा है जो इस तरह के ताबीज बनाने वाले को जानता है। अरे ऐसे ताबीज को लेके फालतू में बहस करने की क्या जरूरत है, उससे कुछ मिलने वाला है क्या? देखो ओरिजिनल ताबीज के लिए पैसा चाहिए होता है और साथ में हिम्मत भी चाहिए होती है। हाँ बस यहीं से मुड़ना है, यहीं कहीं आसपास में होना चाहिए उसका घर। जब माया की मौत हुई थी तब मैं दादी नानी और नाना के साथ यहाँ आया था। ये तो अपशगुन लगता है। ए, चलो सब मिलके इसे हटा देते हैं। गोपी उधर देख, वहाँ उस तरफ से कोई आ रहा है, उसे पूछते हैं। ए भाई, यहाँ पर मांत्रिक तिरुमणि का घर कहाँ है? है? अरे वो मांत्रिक नहीं तांत्रिक है। अरे भाई उस तांत्रिक के घर जाने का रास्ता यही है ना? जाने का रास्ता तो यही है, लेकिन रोड अभी बहुत खराब है इसलिए उधर से कोई नहीं जाता। अगर इस रास्ते से जाएंगे तो 2 मिनट में पहुंच जाएंगे आप लोग। हाँ गाड़ी यहीं रहने दो ना, हम पैदल चलते हैं। हाँ, ये तो ऐसे बोल रही है जैसे गाड़ी अनाथ है। इस जंगल के अंदर उस आदमी का घर है क्या? हमें भी जंगली रास्ते से जाना पड़ रहा है। अरे ये शॉर्टकट है, तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? उसको कई लोग ढूंढने आते हैं ना, उनमें हर तरह की जात वाले होते हैं। जैसा उस आदमी ने बताया वैसे तो हम लोग पहुँच गए लगता है। ये देखो सामने दरवाजे से ही पता चल रहा है कि यहाँ तंत्र मंत्र का काम होता है। सही कहा ना? तो फिर इस घर को जिसने बनाया होगा उससे पूछना पड़ेगा। ये वो तिरुमणि है ना जिसने इसकी माँ को कंगन छुपा के रखने को कहा था? अरे वो कंगन का नहीं है, वो माँ भगवती। कभी सुना नहीं क्या, आकाश गंगा? उस तांत्रिक की पूजा की वजह से भूत भाग गया था। आपने उस चुड़ैल को देखा था क्या? अरे तुम देखने की बात करो, मैंने और तिरुपति ने तो उसको पकड़ के बांधा था। मानना पड़ेगा, शायद तुम्हें डर लग रहा है। कैसा डर, वैसे माहौल तो है डर पैदा करने वाला। मेरे ख्याल से हमें यहीं रुकना चाहिए क्या? अरे पीछे आ जाओ, मैं हूं ना साथ में। चलो, बेकार ही डर रहे हो। नमस्ते। महापुर प्रधान तिरुमणि जी से मिलने आए हैं, वो यहाँ पर है क्या? नहीं, लगता है उसके आंख और कान काम नहीं कर रहे और सदमे में है। हम लोग माणिकपुर से यहाँ आए हैं, ये हमारी उन्नी कृष्ण वर्मा जी की बेटी है आरती वर्मा, और ये सब इसके दोस्त हैं, और मैं भोला वर्मा, अरे नहीं भोला नायर। हम तिरुमणि जी से मिल सकते हैं क्या? उसे गुजरे हुए 10 साल हो गए हैं। मैं तिरुमणि की पत्नी हूँ, उसकी अर्धांगनी कौसल्या। अब हम क्या करें? अरे ये तांत्रिक की पत्नी है ना, इनको भी जादू टोना तंत्र मंत्र आता ही होगा। हाँ। इनसे पूछ कर देखते हैं ना। दादी जी, आपको भूत प्रेत में विश्वास है क्या? चुप पागल पगला कहीं का। पूछ रहे हो? चलो निकलो यहाँ से, हमारा काम खत्म हो गया। अरे रुको रुको। हाँ? क्या बात है दादी माँ? जब माया गर्भवती थी उसका पेट चीर कर जो बाहर आई थी तुम वही हो ना? मौत तुम्हारे पीछे खड़ी है, आने वाली अमावस्या की रात को ठीक 11 बजे ये होकर ही रहेगा। बुढ़िया को मानना पड़ेगा। क्या बक रहा है तू? अरे वो कुछ नहीं दादी जी। सुना मैंने। कुछ नहीं कुछ नहीं, एक सेल्फी ले लूं। बढ़ाया सेल्फी, चल जा, निकल जा यहाँ से, शरीर और आत्मा सब चले जाओ, चले जाओ, फिर नजर मत आना, चले जाओ यहाँ से। हाँ चल। सुना तुम लोगों ने, बोल रही थी आरती मर जाएगी। क्या बुढ़िया कहीं बोला हो? गुस्सा आया कि दिल करा खींच के खींच कर दोगे। अरे मैं किसी तरह उससे बचा। किस बात का, वो मुझे प्रेत का नाम लेके डराएगी तो मैं डरूंगी थोड़ी। वो महापुर तांत्रिक की बीवी है, उसे कुछ तो पता होगा। ऐसा कुछ अमावस्या की रात को होगा ऐसा बोल रही थी। मुझे कोई डर नहीं लगता। वैसे मुझे भी कोई डर नहीं है, लेकिन अब इस पे भरोसा करूं या नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा। ए रुको, ए रुक। क्या हुआ? अरे छोटू मेरे बच्चे। अरे पहचाना कि नहीं, कितना बड़ा हो गया है। जब भी तुम्हारे पिताजी को मिलता हूँ ना तुम्हारे बारे में पूछता हूँ, सब ठीक ठाक है ना? तो सुन लिया ना आपने? क्या बोला? तूने सुना ना मैंने क्या कहा? इसके पिताजी मंत्री है फिर भी इसे जरा भी घमंड नहीं है, देखा ना तूने? पता है जब ये छोटा था ना मेरी गोद में हमेशा सुसु कर देता था, बदमाश कहीं का। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए ना। अरे हाँ, मैंने अपना परिचय नहीं दिया, मैं KK ग्रुप का सीनियर मंडल सेक्रेटरी हूँ। अरे बेटा लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो?
अरे बेटा कोई काम था तो मुझे बता दिया होता। नहीं दरअसल हम लोग यहाँ पर तांत्रिक तिरुमणि से मिल रहे थे। कौन? उस जादू टोना वाले से? तुम भी ना। अरे उससे मरे तो 10 साल हो गए। वही तो। उनकी बीवी से मिल के आ रहे। बीवी से मिल के आए? चुप। अरे वो तो तांत्रिक से पहले मर गई थी। उनके घर की देखभाल तो एक चौकीदार कर रहा है। सही बोल रहा हूँ ना? हाँ सही बोल रहे हो। और आजकल तो वो चौकीदार भी कहीं दिखाई नहीं देता। हाँ, अभी तो वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। और उसकी एक छोटी सी बेटी थी लेकिन आजकल उसका भी कुछ पता नहीं है। भगवान जाने कहाँ गई। वैसे आप लोग इतने दूर से आए हो, ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगा। घर तो आना ही पड़ेगा। घर तो पास में ही है, चाय वगैरह पी के जाइएगा। आपसे बाद में मिलता हूं। अच्छा अभी थोड़ा बिजी हूँ। हाँ ठीक है। वैसे अपने पापा को मेरा प्रणाम बोलना। और देखो अभी तुम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। और हाँ सूर्यास्त होने के पहले जंगल से निकल जाना। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? चलो ठीक है निकलता हूँ। फिर वो कौन थी जिससे हम मिले? मुझे क्या पता यार। चलो फिर से चलते। अरे ये तो पूरा माहौल ही बदल गया, सब खंडहर हो गया। यहाँ तो सब बदल गया है जैसे कोई जादू हुआ हो। ये सब इसकी वजह से हुआ है, तुम्हें तो विश्वास नहीं हो रहा था ना। आप जो बोलो। कुछ हो रहा है उसका इल्जाम मुझ पे मत डालो। हे, तुम लोग आपस में लड़ो मत यार। वो कौन थी अंदर पता चलेगा। अरे यार वैसे भोला भाई कहाँ है? ओहो वहाँ खड़े हैं। वरदा भाई, वरदा भाई। इस तरह से डर क्यों रहे हो? हमें अंदर चलना है। चलो आगे चलिए। हाँ अरे स्पीड में चलिए ना, पहले कैसे चल रहे थे? पहले जैसे माहौल नहीं रहा तो कैसे चलूं? ये जगह तो पूरी तरह से बदल गई है। अरे यहाँ तो सांपों की बांबिया बन गई। अब ये क्या पनौती है? भागो, भागो यहाँ से! जल्दी भागो! अरे जल्दी भागो! निकलो, निकलो! जल्दी निकलो यहाँ से! एक बार और ट्राई करते हैं। इतनी बार तो ट्राई किया। हाँ। नहीं लगा। बहुत इंतजार करना पड़ा। नहीं बस थोड़ा प्रार्थना और पूजा के समय देवी किसी से नहीं मिलती। स्वामी जी मैंने आपसे कहा था। डरो मत, देवी ने तुम सबसे मिलने से मना नहीं किया है। गोपी और आरती को बुलाया है। आओ। अच्छा जा जा। अरे सुनना। हाँ। मुझे एक डाउट है। क्या है? इस तरह की मूर्ति वगैरह ही रख के ये सेलिब्रिटी लोग योनि पूजा, नग्न पूजा, ये वो करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। क्या नग्न पूजा? अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? कुछ भी बोल रहा है। वो मतलब नहीं था। प्रणाम सर। डाउट क्लियर कर रहा था स्वामी जी, बस डाउट। आ जाओ यहाँ बैठ जाओ, देवी अभी आ जाएंगी। उन्हें सब सच बता देना। बैठो। कुछ दिन पहले हम यहाँ आए थे लेकिन उस दिन आपसे मुलाकात नहीं हुई। आरती ने अपनी माँ की आत्मा से यहाँ बात की थी। उसके बाद से ही हमारी परेशानियाँ दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। आरती कह रही थी कल रात को भी उसे किसी ने डराया था। आरती को पहले आत्मा और भूत पर विश्वास नहीं था ना? ऐसे कई लोग हैं जो विश्वास करते हैं और कुछ नहीं करते। दो नाव पर कभी पैर मत रखो वरना परेशानियां बढ़ेंगी। आरती उस दिन तुमने अपनी माँ से ही बात की थी, लेकिन एक बात तय है, इन दिनों जो तुम देख रही हो और जो भी तुम्हें डरा रहा है
वो तुम्हारी माँ की आत्मा नहीं है। कुछ सालों पहले तुम्हारी बिरादरी के लोगों ने किसी को मारकर मंदिर के पीछे उसे दफना दिया था। वैश्या की कहानी सुनी? हाँ, सुना था। उसी की आत्मा इस सब के पीछे है। उस वैश्या का नाम था गंगा। आकाश गंगा नाम से उसे बुलाते थे। किसी तांत्रिक ने उस चुड़ैल को रास्ते से हटा दिया था, ऐसा अंकल ने हमें बताया था। उस प्रचंड शक्ति को माया के शरीर से निकालने में वो तांत्रिक पूरी तरह सफल नहीं हुए थे, इसीलिए उस वक्त आरती को माया का पेट चीर कर बाहर निकाला गया। आरती को इस दुनिया में लाने का और कोई तरीका नहीं था। उसके बाद तुम्हारे घर के जो भी लोग मारे गए और उन सब की अकाल मौत हुई थी, उसकी वजह यही आत्मा है। उन्नी कृष्णन वर्मा ही किस्मत से किसी तरह बच गए। फिर वो प्रधान तांत्रिक शक्तिशाली मंत्रों से उस आत्मा को पकड़ पाए थे। फिर उसे काली देवी के मंदिर में कैदी बनाकर रखा गया था। आकाश गंगा जब जिंदा थी उस जमाने में माया गर्भवती होकर मर जाएगी, लेकिन वो आरती को जन्म देगी ये तय था, और विधि के हिसाब से यही उसे मोक्ष दिलाएगी, और यही हुआ है। और जैसे ही वो बाहर आएगी तबाही मचा देगी। अलौकिक सुख ना मिलने की वजह से उसकी आत्मा किसी की जान नहीं बख्शेगी, ऐसा हमारे प्रधान तांत्रिक कई सालों पहले ही कह चुके थे। हम लोग उस तांत्रिक के घर भी गए थे, लेकिन वहाँ अजीब सी घटना घटी हमारे साथ। तुम जिस प्रधान तांत्रिक की बात कर रहे हो, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। देवी जी, आप हमारी कोई सहायता कर सकती हैं क्या? सहायता करने से मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन तुम जैसा सोच रहे हो वैसी पूजा यहाँ नहीं हो सकती। दुष्ट आत्मा को शांत करने की सुविधाएं यहाँ मौजूद नहीं है, वो तरीके अलग हैं, लेकिन उस काम को पूरा करना जरूरी है। इस महीने अमावस्या 31 जुलाई को ही है। 31 जुलाई से पहले पूजा करनी ही होगी। इस पूजा का खत्म होना बहुत जरूरी है। गोपी, तुम कुछ देर के लिए बाहर जाओ। गोपी। हाँ? इसे अपने हाथ में रखना। आरती, तुम मेरे पास आओ, इसे अपने पास रखो। अरे, ये सोना ही है ना? और नहीं तो क्या, सोना ही तो है। स्वामिनी देवी कोई फालतू चीज थोड़े ना देंगी। ये मुझे ही दे देना, कभी गिरवी रख सकते हैं इसे। वैसे हमारे बीच जो परेशानियां चल रही हैं ये लोग वो ठीक कर देंगे। वो लोग हमें नहीं ढूंढ रहे थे, हम ढूंढते हुए यहाँ आए हैं। अरे, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी अपने डैड को फोन करके इन पर केस करने के लिए बोलता हूँ। स्वामिनी देवी को कानून सिखाना पड़ेगा। क्या बोल रहे? अरे, वो स्वामिनी देवी के प्रति हमारा जो विश्वास बढ़ता है, हम इसलिए यहाँ आए थे, है ना? उनके लिए वो इज्जत हमेशा रहेगी। लो, आ गई। हाँ, ठीक है। वैसे उन्होंने तुमसे क्या पूछा? चलो। स्वामिनी देवी ने कुछ भला बुरा कहा क्या? चुपचाप यहाँ से निकलो। तुमने एक बात पे ध्यान दिया? उस दिन जो दादी माँ ने डेट बताई थी वही डेट ये भी बता रही है। वो मेरी मरने की डेट है ना? पागल हो क्या? हम लोग तुझे मरने देंगे? तेरे होते दुश्मन की जरूरत है क्या? कहीं हमें ना मार डाले। फालतू की बातें करके डराओ मत, चलो। इस तरह के कई सपने मैंने भी देखे हैं, और जब मैं अकेले सोने से डरती थी तब तुम मेरा मजाक उड़ाती थी। मुझे लग रहा है अब तुम भी डरने लगी हो। ए, मुझे किस बात का डर है? लेकिन तुम्हारे चेहरे पर टेंशन तो दिख रहा है। ये डर थोड़ी गई थी, घबरा गई थी, है ना आरती? ये पानी रूम में रख दो तेरे? नहीं, मुझे दे दो। तुम बहुत बड़ी डॉक्टर बनने वाली हो, ऐसे उन्नी भाई ने मुझे बताया है, लेकिन भगवान है ही नहीं, ये हम लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं? इसीलिए तो तुम्हें सपने आते हैं। मेरी सारी बातें तुम छुपकर सुनती हो। अरे, मैं सोने जा रही हूँ, आप भी जाओ, गुड नाइट। अरे, तुम तो बुरा मान गई, मैंने मजाक किया था बेटी। तो सुंदरी, तुम्हें भी गुड नाइट। बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में सो जाऊँ? नहीं माँ, आप सो जाओ, मैं सो जाऊंगी। कितनी तेज हवा चल रही है, लगता है बारिश होने वाली है। क्या हवा चल रही, क्या महक आ रही है।
तुम मुझे जानती हो, मेरा नाम है गंगा। क्या तुम मेरे साथ आओगी? ना भी आओगी तो भी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। गुड मॉर्निंग उन्नी कृष्णन वर्मा। गुड मॉर्निंग रवि। अरे कितने दिनों बाद मिल रहे हो। तुम आने से पहले फोन भी करते ना तो मुझे यकीन नहीं होता तुम आ रहे हो। वैसे ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस करके लगता है तुम बहुत बड़े हो गए हो। हां बैठो। काहे का बड़ा यार, कल ही आया हूं। कुछ भी कहो, अपने गाँव लौटने में अलग ही शांति मिलती है। बहुत दिन हो गए इस रास्ते से गुजरे हुए। माया के अंतिम क्रियाक्रम के दिन आया था। 20 साल गुजर चुके हैं ना। साल तो देखते देखते गुजर जाते हैं। हाँ और बताओ, आजकल तुम्हारा क्या चल रहा है? गांव का सरपंच बनकर मजा आ रहा है ना? काहे का सरपंच? अरे शहर के एक ग्रेनाइट शॉप में मैं मैनेजर हूँ। ये तो तुम्हारी बेवकूफी है, वरना गांव में तुम्हारे पास इतनी जमीन है, खेती भी करोगे तो काम चल जाएगा। तुम्हारी नौकरी से तो ज्यादा ही कमाओगे। देखो हमारे गाँव की खेती के बारे में तुम्हें शायद पता नहीं है। जो किसान पहले मिट्टी से प्रेम करते थे ना, वो आज आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसा है तो जमीन मुझे दे दो, मैं खेती करके दिखाता हूँ। ऊपर वाला है ना, उसी को वो चीज देता है जिसे उसकी कदर नहीं होती। इसका चेहरा तो देखो, पेट देख के लगता नहीं कभी कोयता पकड़ा होगा। हाँ वैसे मैं तुम्हारे पास किसी और काम से आया था। किस काम से? ये तो शायद तुम्हें पता होगा, देर से ही सही, लेकिन मैंने नया रिश्ता जोड़ा है त्रिवेंद्रम बलराम मूर्ति से। रिश्ता? हाँ, अनजान मत बनो, रिश्ता है तो है। वैसे मेरी बीवी का एक छोटा भाई है, वो पुलिस सब इंस्पेक्टर है। उसका ट्रांसफर हो गया है और वो यहाँ आया है, और उसे रहने के लिए जगह चाहिए, पर यहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर सोचते सोचते मुझे याद आया कि तुम तो यहीं पर रहते हो। माणिकपुर में जब इतनी जगह पड़ी हुई है तो उसे परेशान होने की क्या जरूरत है। ठीक कहा तुमने। बलराम यहाँ आओ, मैं इसी की बात कर रहा था। बल रावण बैठो। थैंक यू सर। बाल रावण नहीं तो फिर बलराम। इंस्पेक्टर बलराम। इसके रंग ढंग पे मत जाओ, सलमान खान का बहुत बड़ा फैन है, लेकिन दिल का बहुत ही अच्छा है। इंस्पेक्टर बलराम, यहाँ पर बहुत सारे कमरे खाली पड़े हुए हैं। उसकी चिंता आप मत कीजिए सर, बस कुछ ही दिनों के लिए मैं रहने वाला हूँ, सच कह रहा हूँ। कुछ दिनों के लिए? हाँ, वो क्या है कि कुछ ही दिनों का मेरा यहाँ काम है और काम होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। ये सच में त्रिवेंद्रम का ही है ना रवि? आपको सब पता है। हे भगवान, ये आप क्या कर रहे हैं? पेड़ के नीचे कोई पौधा लगाता है? सुनो, पेड़ पौधों के बारे में मुझे मत बताओ तुम। देखो अगर इस पेड़ के ऊपर धूप ही नहीं पड़ेगी तो इसे पानी देने की जरूरत भी तो नहीं पड़ेगी ना। अरे वाह वाह वाह, कृषि का अवार्ड लेने वाला आदमी तो यहाँ पर मौजूद है। सुनो बोला, कार में सर का बैग है, उसे ले जाकर कमरे में रख दो और कमरे को साफ कर देना जरा। और रवि,
तुम खाना खाकर ही निकलोगे ना? इसमें क्या शक है, कब से हमने साथ में खाना नहीं खाया। और क्या, चीजा जी खाना खाकर ही जाएंगे। तो खाऊंगा। अच्छा वैसे आरती बिटिया नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ गई है वो? वो अभी घर आने के लिए मंदिर से निकली होगी। मंदिर से? लेकिन तुमने तो कहा था कि उसे इन चीजों पर यकीन नहीं है। पहले था, पर आज से उसने अपना इरादा बदल लिया है। बड़ी जल्दी बदल गई। बड़ी बड़ी बातें सुनने लायक है इनकी। जिस चुड़ैल को मैंने देखा अगर इन लोगों ने देख लिया होता ना तो कब का इरादा बदल देते हैं। ओ जाने जाना मेरी आजा भर ले। वैसे ऐसा ही साहब के साथ बैठ के पीने का अलग ही मजा है। सर जी। हाँ क्या हुआ, मिला कि नहीं? अरे भोला जाए और कुछ ना मिले, ऐसा हो सकता है क्या? क्या बात है, वो भी शराब, लेकिन हा? पैसा ज्यादा लग गया। वो क्या है ना, आपने जितने पैसे दिए थे वो सब खत्म हो गए। खाने के लिए पैसे होना हो लेकिन पीने के लिए तो चाहिए ना। शराब तो मिल गई, सोडा? अरे ये सब क्या है, लुंगी है या गोडाउन? अरे सब कुछ अंदर ही रखा हुआ है ना सर। आराम से निकालो वरना फट जाएगा। ये लीजिए चबाइए। वैसे खा तो सकते हैं ना? हाँ, क्यों नहीं, निकाला ऐसी जगह से है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। अगर ऐसा ही हमारी कस्टडी में है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है और फायदेमंद भी हो सकता है। अरे कुछ भी कहो, हम इस आदमी के जरिए अपने काम को और भी आसान कर सकते हैं, है ना? यही तो मैं भी कह रहा था, लगता है ये लोग शुरू हो गए। अरे वाह सर जी, गुड मॉर्निंग। आधी रात को कोई गुड मॉर्निंग करता है? अरे गुड नाइट। तो, और सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हा? अरे सर ये तो हमारा ही घर है। सर इसी घर में अपना गोपी शादी करने वाला है तो ये हमारे घर जैसा है ना? ओ, ये बात है क्या, लेकिन तुम कुछ भूल रहे हो बेटा, वो घर ये नहीं है, उस तरफ है। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपके पीछे वो बॉटल कैसी है, क्या छुपा रहे हैं आप? नहीं नहीं कुछ नहीं है। जब हम लोग यहाँ पर आए थे तभी हम लोगों ने देख लिया था, यही तो लाए थे आप, एक बियर बॉटल और एक ब्रांडी बॉटल, सही कहा ना? और क्या हो सकता है, बियर के साथ ब्रांडी भी, इसने ऑर्डर किया तभी मुझे शक हो गया था। मैंने इससे कहा था कि सर जी यही रुके होंगे क्योंकि ये तो देसी पीता है, है ना सर? ये दारू जो है ना, मैं दवा के हिसाब से पीता हुआ और ये 2 दिन से मैंने दवा नहीं ली। प्रॉब्लम है ना? चलो शुरू कर दे। आजा सुनो तो। अरे यहीं बैठना, बैठो बैठो बैठो। हां दूल्हा सर, सर अभी बैठिए बैठिए। सर आप एक बात जानते हैं क्या, हमारे गांव में इंस्पेक्टर को प्रधानमंत्री की तरह इज्जत दी जाती है, वैसी ही इज्जत है आपकी। मुझे बचपन से ही ऐसा लगता है कि मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ। बचपन में क्या हुआ था पता है? बचपन में आपका कोई केएफसी रहा होगा। क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सर आप डरिए मत, ये दोनों मेरा हिस्सा भी साथ में डाल रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। सुनो मेरा ग्लास कौन सा सर? ये लो पियो ना। अच्छा जा तू लेकर आ, देख कैसे पी रहा है ये। उफ आहा, ये अच्छी बात है कि तुम पीते नहीं हो, वेज हो ना? ये लोन वेज है। नॉन वेज? जब पैसे नहीं होते तब ये लोन लेता है और लोन लेकर पीता है। समझ गया ना? ए तू यहीं बैठा है? हां जा। अरे सर जा रहा, रुको तो। अरे सर जा रहा, रुको रुको। अरे मुझे गुदगुदी होती है। अरे कितना पी रहा है? क्या कहा? अब चाहे वीरू को बुलाओ या धीरू को बुलाओ या चाहे जिसको बुलाओ। और क्या, डर के मारे कमरे में पेशाब करने वाले को वीरू नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ए तुम लोग चुप रहो चुप। जब तांत्रिक यज्ञ करवा रहे थे उसी तरह मैंने भी पेशाब का यज्ञ किया था। आज का कोई भी दिन हो, कोई भी वक्त हो, मैं अकेले जा सकता हूँ। और इसकी वजह पता है क्या है? इंस्पेक्टर बलराम के साथ रहने वाला हूँ मैं। एकदम सही बोल रहा है तू। आपको पता है क्या, जिस तरह उस आकाश गंगा वाली चुड़ैल को चिता में रख के चलाया गया था ना, उस प्रधान तांत्रिक के काम को मैं दोहरा रहा हूँ। अरे वो चड़ैल है कौन? चड़ैल नहीं, चुड़ैल। वो चुड़ैल खून की प्यासी, पानी की प्यासी, जवानी की प्यासी, आसमान की भूत, यहाँ के हर कमरे में छुपी हुई है, ये तुम जानते हो क्या? पिछले 20 साल से कमरा किसी को नहीं दिया गया। अच्छा तो ये कमरा किसका है? हाँ देखो, पिछले 20 सालों से ये कमरा किसी को नहीं दिया गया, जो खून की प्यासी भूत है ना उसका कमरा है। अरे सर जी आप डरो मत, कहो तो 2-3 बियर और 1-2 पैक लगा के आपके साथ ही सो जाएंगे। अरे मैं तो कहीं भी रह लूंगा। इनको साथ में मत रखना सर, अगर ये आपके साथ में रहेंगे तो ये आपको भी गंदा कर देंगे। और अंकल को जवाब हमें देना पड़ेगा। सर आप पहले ये पैक मार लो और अगर कोई भूत मांगे तो कहना, देख मैं तुझे बिल्कुल नहीं दे सकता, ठीक है? तो हम चलते हैं, चलो। आइए अभी तुम और मत पीना। चलिए चलिए चल 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 चल, ज्यादा हो जाएगा। सर ये हमें दे दो ना, हमारा भी काम हो जाएगा। थैंक यू। अरे वो सर बहुत ही मासूम है। अरे क्यों इतनी ज्यादा चढ़ा लेता है? मासूम है। आराम से आइए आइए। अरे देखिए मासूम है, मासूम है। हां हां थोड़ी सी झुपी। ओके बराम की बराम। अरे कुर्सी कौन हिला रहा है? Stop it! इतना डर होना चाहिए। क्या हवा आ रही है, मस्त। अरे हवा कहाँ से आ रही है? कौन मुझे डराने की कोशिश कर रहा है?
हिम्मत है तो सामने आ जा। अबे कौन है वे? सामने आ। इसे बोलते हैं इंस्पेक्टर का डर। अरे डरेगा नहीं तो जेल में डाल दूंगा। अंधेरा है यहाँ पे, लाइट क्यों नहीं? लाइट तो जलानी पड़ेगी। लाइट का बटन। मेरे बेड पे कौन सो रहा है? अच्छा, शॉर्टकट रास्ता पकड़ के यहाँ आके मेरे बेड पे सो रहा है। ए बाबा चल मेरे बेड से उठ जा जल्दी, मुझे अच्छा नहीं लगता रे, मुझे पसंद नहीं है ये सब। चल उठ। अरे उठना, बचा रहो। मेरे कपड़े पहन के मेरे बेड पे सो रहा है तू? हाँ ए बाबा, ए उठ जा। सर मैं आ गया हूँ, नीचे खड़ा हूँ। अरे बाप रे, पैर का दर्द कम नहीं हो रहा है, कहाँ फंस गया मैं? ये काली बिल्ली मुझे डरा रही है। ये बिल्ली भी भूतों में शामिल हो सकती है, यहाँ से निकलना ही सही है। मैं जा रहा हूँ। अरे ये घर है या भूतों की हवेली? हाँ परेशान हो गया, इतने बड़े घर का इतना छोटा सा दरवाजा, परेशान हो गया। भैया बचा लो मुझे भगवान, बचा ले। अरे बलराम सर को क्या हो गया? मेरा पैर तोड़ दिया। टूट गया क्या? कल तो आप बहुत स्मार्ट लग रहे थे। अरे ज्यादा बातें मत कर, कल बुरा हाल हो गया मेरा। क्या हुआ? अरे तूने जो कहा था ना वही सच निकला। हाँ। हाँ। अरे तू बोल रहा था ना कि उस घर में कोई रहता है? अरे अरे खून के प्यासे भूत रहते हैं वहाँ। तो आपने सच में उसको देखा? अबे सच में कह रहा हूँ, देवी माँ की कसम खा के कह रहा हूँ। सर अगर आपने ठीक से देखा होता तब तक जिंदा नहीं होते। अरे मैंने देखा है। सर जी आप डरो मत, मैं कुलदेवी के मंदिर जाके गंगा जल लेके आता हूँ, उस शैतान के ऊपर छिड़क देंगे। किसके ऊपर? अरे उस शैतान के ऊपर छिड़कना है। लो आपका पैर देखता हूँ। अरे मेरा पैर। चिल्ला क्यों रहे हो बलराम, क्या हो गया? अरे वर्मा जी आपने जो सहायता की उसके लिए शुक्रिया। मैं कुछ समझा नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं जा रहा हूँ। पर इतनी जल्दी क्या है? कल रात को खून की प्यासी चुड़ैल ने पांव काट लिया। खून की प्यासी चुड़ैल ने? जरूर आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। फालतू की बातें करना बंद कीजिए। अरे चुप हो जाइए। अरे मुझे ही पता है मैंने अपनी जान कैसे बचाई। अरे घर में भूत रहता है भाई। अरे बाप रे। कुछ दिनों से ऐसी घटनाएं घट रही है यहाँ पर, कल ही हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे। कैसी बात? उसके लिए महान तांत्रिक के शिष्य आनंद नंबूदरी को हमने यहाँ पर बुलाया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर पूजा करवानी पड़ेगी। अच्छा। पूजा होने के बाद यहाँ सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि बुरे सपने आना बंद हो जाएंगे। अरे ये सपने नहीं हकीकत है, मैं आपको सच में कह रहा हूँ यहाँ भूत है। आप मेरी बात का यकीन करो, पता नहीं आपको कैसे समझाऊं। अरे अगर इतना बहादुर और दमदार पुलिस ऑफिसर डरने लग जाएगा तो हमारा क्या होगा? पता है कल रात को भी पद्मा आप ही के बारे में बात कर रही थी। अच्छा? हाँ। 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 सर जी ये पहली बार जिंदगी में किसी मद को देख के सहारे की बात कर रही है। हाँ? आपके डोले शोले पे मर मिटी ये छोड़ना मत। कान में क्या खुसुर पुसुर हो रही है? ये यहाँ रहता है तो मुझे दो पैक पीने को मिल जाते हैं ना। देखो बलराम ये सब ना मन का भ्रम है, अगर मोच का इलाज नहीं करवाया तो दर्द बढ़ता जाएगा। और हाँ तुम्हारे पैर में मोच आई है ना, मैं बूढ़ी अम्मा को यहाँ बुलवा लेता हूँ। हाँ, ठीक है। वो तुम्हारे पैर की मरहम पट्टी कर देगी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा। हाँ। मतलब आपका ये कहना है कि मैं यहाँ रुक जाऊँ है ना? अरे सिर्फ पद्मा ही नहीं सुंदरी भी यही चाहती है। अच्छा। एक तीर में दो निशान। तो मेरा जाना कैंसिल हो गया, बैग अंदर रख देता हूँ। बाप रे पद्मा के चक्कर में मैंने यहाँ रहने का फैसला किया है, पता नहीं पद्मा मिलेगी या नहीं, नहीं तो भूत तो मिल ही जाएगा भैया। दोनों भी ना मिले
बस वो सुंदरी मिल जाए तो मजा आ जाए। सुंदरी तेरे लिए मैं। अरे तू फिर खड़ी हो गई, निकल यहाँ से। अरे बाप रे, जान ले लेगी ये बिल्ली मेरी। अरे बाप रे, अरे चुप रे। आप इतने जल्दी आ गई मेरे पैर का इलाज करने के लिए ना? अभी तो पैर में थोड़ा दर्द है, अंदर जाके पैंट चेंज करके आता हूँ। आप यही रुकिए, मैं लुंगी पहन के आता हूँ। लगता है कम सुनाई देता है। अरे सुन। आप क्या हुआ दादी माँ? अगले हफ्ते तेरा प्रमोशन हो जाएगा। मजाक अच्छा है। और उसी हफ्ते जॉइनिंग भी हो जाएगी। अच्छा, लिख कर रख लो। लगता है ज्योतिष भी जानती हो, अच्छी बात है। इस कौशल्या माँ को भविष्यवाणी, आकाशवाणी सब कुछ आता है। अरे प्रमोशन के लिए तो यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ दादी माँ, पर पता नहीं प्रमोशन कब मिलेगा। वो क्या है कि थोड़ा रिकॉर्ड खराब है ना मेरा, प्रमोशन में प्रॉब्लम होता है इससे। मैंने जो बोला है वो जरूर सच होगा, देख लेना। अच्छा, अगर ये सच हुआ तो पार्टी दूंगा मैं आपको। रुको, मैं अभी आता हूँ। दादी माँ भले ही मजाक कर रही थी लेकिन सुनने में अच्छा लग रहा था। अरे ये क्या, पुराने जमाने का स्विच लगा कर रखा है, जब देखो तब बिजली चली जाती है यहाँ। हाँ, बिजली हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, मगर दो सुंदर औरतें तो है। बुढ़िया ने तो परेशान करके रखा है। अरे आ रहा हूँ ना, कपड़े चेंज कर रहा हूँ। तेरे प्यार में मैं हुआ हूँ दीवाना मैं। क्या हुआ दादी माँ, अरे क्यों चिल्ला रही हो, क्या बात है? उन्नी कृष्णन ने कहा आपके पैर में दर्द है। हा? अरे उसी के लिए तो एक दादी माँ आई थी, वो कहाँ गई? दूसरी कौन सी दादी माँ? अरे जिसके सर पे बहुत बड़ी बिंदी है वही दादी माँ। एक ही वैद्य माँ है और वो मैं हूँ, आप बैठ जाइए। अरे जाने दो मुझे, क्या करना है दादी। देखो पैर में बहुत दर्द हो रहा है, आपको देख के लगता है कि आप इलाज कर दोगे। ऊपर ऊपर, अभी ठीक कर दूंगी। पता नहीं ये काली बिल्ली मेरे पीछे क्यों पड़ी है। आराम से दादी। अरे कहाँ चली गई? ये तो कुछ भी भविष्य नहीं दिखा रही है। ऐसी बात है तो हमें बताइए ना, उठा के रख देंगे। अरे बेवकूफ, मेरा मतलब था कि ये मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही है। आपका ये मतलब था, मुझे पता ही नहीं था। तो गुस्सा मत कीजिए। भविष्य जानने के लिए अभी लगता है कोई रुकावट पैदा कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस घर में कोई दुर्घटना होने वाली है। जरूर इस घर में कोई बहुत शक्तिशाली दुष्ट आत्मा प्रवेश कर चुकी है। बेटी आरती की भविष्य को देख रहा हूँ तो एक रास्ता नजर आ रहा है, लेकिन दशा और बुद्धि बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही है। आरती के सर से दुर्घटना टलने का समय है अभी, नहीं तो बहुत खतरनाक दोष लगने वाला है। हे भगवान, दोष हटाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बेटी का दोष हटाने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो फिर जल्द से जल्द 31 जुलाई से पहले अगर आप आरती की शादी करवा देंगे तो इस घर पर जो बुरी नजर है वो हट जाएगी। लेकिन पंचांग में मैं देख रहा हूँ कि 31 जुलाई को अमावस्या है, शुभ कार्य के लिए ठीक नहीं। लेकिन महाराज जी, इस काम के लिए हमारे पास बहुत कम समय बचा है। इस समय जो आत्मा हमें तकलीफ दे रही है वो आखिरी दिनों में क्रूर हो जाएगी, शादी रोकने की वो पूरी कोशिश करेगी। इसके लिए हमें रिवाज बदलना ही पड़ेगा। इसीलिए आप एक काम कीजिए, कोई अच्छा लड़का देखकर उसकी सगाई करवा दीजिए। वो गोपी हमारी आरती बेटी से शादी करने के लिए कब से पीछे पड़ा है, हम जब भी कहेंगे वो तो तैयार है। ये ठीक कह रहा है, हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, आप उनके परिवार से मिलिए और बात करिए। इसे मैं पान दे रहा हूँ। जैसा मैंने कहा वैसा ही कीजिएगा। जब आप लोग सगाई की रस्म पूरी कर लेंगे तब मैं यहाँ पूजा करवाने के लिए आ जाऊंगा, इस समय मैं जा रहा हूँ। ठीक है, नमस्ते। Yeah!
संपत भले ही चेयरमैन है लेकिन मेरा बड़ा भाई है, स्वागत ठीक से करना वरना पकड़ा खड़ा हो जाएगा। ओके ओके ठीक है सर, चेयरमैन सर कॉलेज के गेट पर आ गए। अरे चेयरमैन को गाड़ी से उतर कर आने में वक्त तो लगेगा। ओके सर। वो उतरने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उतर नहीं पा रहे। बोला था ना गाड़ी से उतरने में समय लगेगा। सर 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 आई विल हेल्प यू सर। डॉली नहीं आती तो डोर उखाड़ना पड़ता। क्या बात है डॉली, तुम पतली कैसे हो गई? डाइटिंग पर हूँ सर। अच्छा ये बात है। देखो इसे पूरा ढोलक लग रहा है। अब पता चला ना डोनेशन में ये लोग 1 करोड़ 2 करोड़ क्यों लेते हैं? क्यों? वो सारा पैसा इनके पेट में ही तो है। ए, खा खा कर कितना पेट बढ़ा रखा है। अरे सिर्फ डाइट करने से कुछ नहीं होता, मेरी तरह जिम भी जाया करो। वेलकम सर। इसे अपने पास ही रखो। थैंक यू। कैसा चल रहा है कॉलेज? बच्चे सब खुश है ना? बहुत खुश है, हंसकर लोगों को मार देते हैं। क्या है सर, प्रिंसिपल साहब जो है ना इनकी जोक की वजह से लाश भी उठकर चलने लगती है। बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे ना। मंत्री मुथैया साहब आ गए हैं क्या? वो पहुँचते ही होंगे। क्या बात है, उन्हें अच्छे से ट्रीट देना है। इस बार हमारी सरकार 10 MBBS सीट सेंक्शन करने वाली है। बिल्कुल, मैं हूँ ना यहाँ का प्रिंसिपल। हाँ सर, ये है तो कुछ भी हो सकता है। अगर 10 मेडिकल सीट मिल गई तो 10 करोड़ का फायदा होगा। उस आदमी का बेटा तो यही पढ़ता है ना, टाइटस मुथैया। अरे बेटा लड्डू यहाँ आ। बेटा अरे तुम्हें देखे हुए कितने साल हो गए। खाना पीना ठीक से खाते हो ना? मेरी गर्दन तो छोड़िए सर, मेरी गर्दन छोड़िए। अगर ये मर जाएगा तो मंत्री जी सीट नहीं देंगे। अरे बाप रे, सॉरी बेटा। चेयरमैन साहब ज्यादा दूर चल नहीं पाएंगे इसलिए आपका स्वागत करने के लिए वो स्टेज पर बैठे। मेरे लिए इतना काफी है, 300 किलो की बॉडी लेकर मेरा इंतजार कर रहा है। नमस्कार। नमस्ते। अरे तेरे देश के मोदी। मोदी गया भाड़ में नीचे। ऐसे तो तुम्हारे पिताजी की जान ले लेगा। हाँ अच्छा, कम से कम इसी बहाने मरेगा। उतार तो नहीं तो मर जाएंगे। मुझे इतना कसके पकड़ने की क्या जरूरत थी चेयरमैन? पिछले इलेक्शन में 50 लाख दिया था याद है ना? ऐसा है क्या? नहीं देना इसलिए मुझे ऐसे जकड़ के पकड़ा? अरे ये तो प्यार से पकड़ा। पता है कितना प्यार से पकड़ा, हड्डियां टूट जाती तो। आप बैठिए। अरे जरा तुम संभाल लो। सर मैं यहाँ का प्रोफेसर हूँ, एनाटॉमी विभाग का। अच्छा, और क्या चल रहा है? एनाटॉमी मतलब क्या होता है? सब अच्छा चल रहा है। तुम भी मेरे जैसे हो। अरे कहाँ गई चेयरपर्सन? पता नहीं सर। सर उसका फोन नहीं लग रहा है। सर आप ट्राई कीजिए ना। इसने लगाया तो नहीं लगा, तो मैं लगाऊंगा तो लगेगा। यहाँ किसी की गारंटी नहीं है, यूजलेस। सर रम्या है ना? हाँ, तो आज की प्रार्थना तुम गाओगी, चलेगा? सर ये गाना गाने के लिए आने की कोई जरूरत नहीं है। वो आ गई सर। मन करे तब आने जाने के लिए, ये कोई धर्मशाला नहीं है। टाइम की वैल्यू नहीं है तो चेयरपर्सन की कुर्सी छोड़ दो। आज की प्रार्थना की शुरुआत रमैया करेगी, चलो। आरती अरे ठीक है ना, थोड़ा बहुत लेट चलता है। नमस्ते, हमारे कॉलेज का ये 8वां साल है, उसी उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और अब यहाँ प्रार्थना गाने आ रही हैं, कुमारी रमैया उनका स्वागत कीजिए। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे हम, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे हम। हमको मन की शक्ति दे। अच्छे से तैयारी की थी लेकिन इसने पूरा खराब कर दिया। ये अचानक से क्या हो गया? अरे जाओ जाओ यहाँ से जाओ। कितना अच्छा गाती थी, अचानक पता नहीं क्या हो गया। अरे ये कौन सी भाषा थी? भाषा चाहे जो भी हो लेकिन वो भाषा हम यहाँ नहीं सिखाते हैं। वैसे ये कौन सी भाषा? वेदी भाषा होती है। भाषा को हम यहाँ पर नहीं सिखाते हैं। सर 2 बजे मंत्री जी को जाना है। वह क्या है कि मंत्री जी को 2 नंबर जाना है, इनका पेट खराब हो गया है, आने के बाद कार्यक्रम शुरू होगा। ये कैसे मंत्री जी हैं? आप 2 नंबर जाकर आइए फिर हम प्रोग्राम शुरू करेंगे। मुझे 2 नंबर के लिए नहीं जाना है, एक और फंक्शन है उसे अटेंड करने के लिए जल्दी से जाना है। अरे नहीं नहीं नहीं, 2 नंबर नहीं जाना है, 1 नंबर जाना है। लीजिए सर। कहिए, आज मैंने पहली बार भगवान की इस तरह की प्रार्थना सुनी है और आपकी तरह मैं भी खुश हूँ, और इसी खुशी को बांटने के लिए हम लोग केक काट लेते हैं। ठीक है, लो पकड़ो।
तो हम काट सकते हैं? बिल्कुल काटिए। पे मेरा नाम नहीं लिखा है, पर कोई बात नहीं, काट देता हूँ। चलो केक तो कट गया। सब मुझे मिलकर मारना चाहते हो? ये क्या कर रहे हैं? सर पागल हो गए हैं। चलो चलो आजा, देखते हैं, आजा जीतू। चल 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 चल। तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? प्रिंसिपल तो पागल ही हो गए थे, कॉरिडोर से वो नीचे कूद गए, सब लोग उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? उस दिन जो लैब में हादसा हुआ और आज जो हादसा हुआ उसमें कुछ तो संबंध है। कैसा संबंध? उस दिन तो सब मेरा बहुत मजाक उड़ा रहे थे। सही कहा। आरती, हे, तुम इतनी बदली बदली सी क्यों लग रही हो? चलो चलो। क्या बात है, घर में किसी से झगड़ा हुआ है क्या, या फिर मुझसे नाराज हो? मैं किसी से नाराज नहीं। अच्छा, तुम्हें पता है उन्नी अंकल मेरे घर आए थे और पिताजी से हमारी शादी के बारे में बात कर रहे थे। क्या हुआ, इतनी जल्दबाजी में क्यों है? वो समझ में ही नहीं आ रहा है, कह रहे थे कि अगले हफ्ते सगाई कर लो और अमावस्या की रात के पहले शादी। जिद पकड़ लिया उन्होंने। किसकी शादी? हमारी शादी। और तुमने भी तो कहा है हमें एक दूसरे के साथ जिंदगी बितानी है। मेरी शादी तय करने वाले तुम होते कौन हो? मुझसे शादी करने का फैसला तुमने अकेले ले लिया, क्या ये ठीक है? आरती, क्या ये ठीक है बताओ? मुझे ऐसे बुलाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मैं कौन हूँ तुम जानते हो? जानते हो क्या? उन्नी अंकल है क्या? हाँ अंदर है। ओके। अरे गोपी आओ बैठो, ये अचानक कैसे आना हुआ? अंकल मैंने सोचा आपसे मिलके सामने बैठ के बात करूं। शादी के बारे में? उस बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, क्या हुआ, टेंशन में हो? ऐसा कुछ नहीं अंकल, आपने बताया कि आरती का टाइम कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल आज कॉलेज में भी मुझे उसका बर्ताव कुछ ठीक नहीं लगा। कॉलेज में क्या हुआ? पिछली बार जो हादसा लैब में हुआ था वही आज कॉलेज में भी हुआ। मुझे एक डाउट है, इस हादसे से कहीं ना कहीं आरती का कुछ संबंध है। दरअसल बात यह है, जब मैंने उससे शादी की बात की तो उसने इधर उधर की बातें करके शादी करने से ही इनकार कर दिया। अंकल, तुम दोनों की शादी के बाद आरती का बुरा वक्त खत्म हो जाएगा, तांत्रिक जी ने कहा है, और 31 जुलाई तक उसका बुरा वक्त चलेगा ये भी बताया था, और इसीलिए हम चाहते थे कि सगाई जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। तुम चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। इस बारे में जो कुछ भी करना है वो सब कुछ मैं कर रहा हूँ, तुम बस खुश रहो। अरे वाह, तुम सब लोग एक साथ। आंटी, आरती अंदर है क्या? आरती अभी अभी बाहर गई है, उसकी सहेली के पास कुछ काम था। ओ, वो दोस्त है, मैं कब से उसे फोन लगा रहा हूँ लेकिन लग नहीं रहा है। अरे वाह, सारे लड़के यहाँ मौजूद है, मेरे लिए तो ये बहुत ही खुशी का दिन है। ये लो अपना मुंह मीठा कर लो, आप भी ले लो। आज क्या खास बात है? क्या खास बात है? खास बात अगर बताऊंगा तो आप लोग गुस्सा करोगे। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सर आप जा रहे हैं? अरे मेरा प्रमोशन हो गया है, सर्कल इंस्पेक्टर बन गया। अरे आप भी मुंह मीठा करो, और ये आपके लिए, और स्पेशल मिठाई है भविष्य बताने वाली दादी के लिए, बुलाइए ना उन्हें। क्या कहा, भविष्य बताने वाली दादी के लिए? हमारी कौशल्या दादी माँ, उन्होंने जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही हो गया, मुझे प्रमोशन मिल गया। उन्होंने कहा था शुक्रवार को तुम्हें ऑर्डर हाथ में मिल जाएगा, बुलाओ ना उन्हें, बुलाओ। ये नई दादी माँ कौन है?
आपने उनका क्या नाम बताया? अरे अपनी कौशल्या दादी, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ। अरे सुनो, उस दिन प्रधान तांत्रिक के घर गए थे, वहाँ एक दादी मामा की याद है? हाँ, उनके दांत कुछ अजीब से थे और कुछ अलग तरीके से हंस रही थी। हाँ वही है, वो काफी बुजुर्ग है और झुककर चलती है। वही माथे पे बड़ी सी बिंदी, उसने कहा था तुम बर्बाद हो जाओगे। सर जी सुन लो, वो एक भूत है। भूत? भूत है वो? भूत है? हाँ, उस भूत को हम लोगों ने भी देखा है। हाँ, उन्होंने आरती को देखकर बताया था कि 31 जुलाई अमावस्या की रात को 11:30 बजे वो मर जाएगी। ये तुम लोग क्या बोल रहे हो? हाँ जी, वो जो बोल रहा है वो सच है। उसने बोला प्रमोशन मिलेगा तो मिल गया, उसकी बात को सीरियसली लेना चाहिए। हे भगवान। यहाँ पर ऐसे कौन बैठा है? आहा, अरे आरती, तू तो अपने सहेली से मिलने गई थी ना, तो यहाँ पर आकर क्यों बैठी है? और सुन तो, वहाँ गोपी और उसके दोस्त तुम्हें ढूंढ रहे हैं। वैसे बेटी, जब तुम उस प्रधान तांत्रिक के घर गई थी, तब वहाँ किसी देवी ने तुम्हें देखकर ये कहा था कि 31 को तुम्हारी मौत हो जाएगी। ठीक है, मैं तो पहले भी मर चुकी हूँ, इसीलिए मुझे मरने से डर नहीं लगता। तुम भी ना मजा किया हो। तुम्हारी हर परेशानी दूर हो जाएगी और शादी के बाद तो सारी मुसीबतों का हल हो जाएगा। अरे यही बात तो प्रधान तांत्रिक ने कही थी ना। मालिक अंदर है क्या? हाँ मालिक अंदर है, लोड उतारने के बाद हम लोग जाएंगे। हाँ। अरे सर क्या बात है, इतनी रात को आप यहाँ? अरे भले ही मैं आने में लेट हो गया, पर तुम तो काम कर रहे हो ना, बैठ जा। मैं दोपहर को भी आया था लेकिन तुम यहाँ नहीं थे। वैसे बेटी की शादी तय कर दी? हाँ सर, थोड़ी जल्दबाजी करनी पड़ रही है इसलिए बिजी रहता हूँ। नहीं ठीक है, ये तो अच्छी बात है। हाँ ये लो, ये जोश भाई को दे देना, इसमें 50 लाख है। वो कह रहे थे कि उनको ब्लैक मनी चाहिए। आज सुबह की फ्लाइट से दिल्ली जा रहा हूँ ना, इसीलिए अभी लेकर आ गया। ओके, कैश जोश को देने के बाद मुझे बता जरूर देना। ठीक है सर, ठीक है, आपको बता दूंगा। ओके ठीक है, तो मैं निकलता हूँ। अच्छा तो भूलना नहीं, जो कहा है वो कर देना। ओके सर, ओके। सर ये सब हम लोग खाली करवा देंगे, पैसे सुबह आके ले लेंगे, अभी हम लोग जाते हैं। ठीक है, मैं हाँ, भी जा रहा हूँ। ठीक है सर। कौन है, कौन है वहां? किसने ऑफ किया? कहाँ? मैं घर पे हूँ। जितनी जल्दी हो सके ऑफिस आ जाओ, रूम का दरवाजा ओपन नहीं हो रहा है, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है लगता है, जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। अंकल, हेलो, अंकल, अंकल क्या हुआ?
उन्नी अंकल, उन्नी अंकल, उन्नी अंकल, अंकल, आरती, 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 उन्नी अंकल, उन्नी अंकल. मौत हो चुकी है. इस हादसे को आरती बर्दाश्त कर पाएगी? आरती,
तो मुझे हाथ ही मत लगा। अरे तेरी बेटी बोलना, अरे तेरी बेटी बोलना, बोल तेरी बेटी कौन है? गोपी कृष्णन उसके साथ लाइब्रेरी में ही है ना? जी वही है। अरे ये देखो, उस दिन हमने जो तांत्रिक घर में वो बूढ़ी को देखा था ना, देखो उसी तरह दिख रही है। क्या है ये? इसमें लिखा है फोटोग्राफ्स इमेजेस एंड ड्राइंग ऑफ स्पिरिट्स रिकॉर्डेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स वाज स्ट्राइकिंगली सिमिलर टू द वंस रिकॉर्डेड इन यूरोप एंड एशिया। मतलब इसका मतलब ये है, कोई भी प्रेत आत्मा हा? किसी का भी रूप धारण करके कहीं और कभी भी जा सकती है। हे भगवान, देवी आ गई। देवी हा? पढ़ लिया? पढ़ लिया। मैंने सही कहा था ना, डिसोसिएटिव पर्सनालिटी, और इसे एक तरह का रिएक्शन कह सकते हैं। ऐसे ही कुछ साइंटिफिक नेम इस किताब में लिखे होंगे, अगर तुमने पढ़ा है तो ऐसा ही लिखा है ना इसमें? हाँ लिखा है। कई सालों पहले बड़े बड़े तांत्रिक, महायांत्रिक, भूत पिशाच के बारे में हर तरह की खोजबीन कर रहे थे। इन बातों को तो मानते हो ना? मानता हूँ। कई लोग कहते हैं कि वो इन बातों पर विश्वास नहीं करते, उनका तो ये भी मानना है कि भगवान भी इस दुनिया में नहीं। लेकिन गोपी तुमने खुद अपनी आँखों से भूत देखा। हाँ देखा। वो कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, दुर्गा का दूसरा रूप है जो खून की प्यासी भूत की अवतार है। कन्या की देवी के शपथ की तरह इस दुष्ट आत्मा का भी कुछ उद्देश्य होगा। ये सब बड़ी आसानी से हो जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। भले ही उससे मेरी शादी ना हो, मैं उसके साथ अपनी जिंदगी खुशी से ना बिता पाऊं, लेकिन मुझे अपनी पहले वाली आरती चाहिए। अगर ये पहले हो जाता तो कोई रास्ता मिल सकता था, अलौकिक सुख ना मिलने की बात तक तो ठीक है, लेकिन अब वो वक्त गुजर चुका है। अब तक हम लोग इसे हंसी मजाक समझ रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी परेशानियों की नहीं सोचा था। देवी अगर आप चाहेंगी तो इस मुसीबत से हमें निकाल लेंगी। आरती वहाँ पे जिंदा लाश की तरह पड़ी है। मैं जानती हूँ, मेरे पिताजी महापुर तांत्रिक का उस परिवार के साथ एक अच्छा संबंध था। उन लोगों के लिए मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा मैं जरूर करूंगी, और ये सब करने में मुझे खुशी भी होगी, लेकिन वो अखंड होम हमें आज ही करना होगा। देवी आप कुछ तो बता रही थी 31 जुलाई के बारे में। जब हम प्रधान तांत्रिक के घर गए, वहाँ एक दादी माँ ने कहा कि अमावस्या की रात 31 जुलाई को आरती की मौत हो जाएगी। वो अमावस्या आज ही है। जानती हूँ, तुम जिससे मिले वो चाहे कोई भी हो, या कॉलेज में जो भी हादसा हुआ, वो सब कुछ इस दुष्ट आत्मा का ही काम है। उस परिवार के उन्नी कृष्णन को जलाकर बलि चढ़ाकर बदला लेने का आकाश गंगा का एक बहुत बड़ा संकल्प था, जो अंदर ही अंदर बुरी तरह से जल रही थी, और उसने उन्नी कृष्णन को मारकर अपना बदला भी ले लिया। अब हमें किसी भी तरह उसे समझा कर यहां लाना होगा। इसमें अगर बल का प्रयोग भी करना पड़े तो कोई बात नहीं, अगर उसे यहाँ ले आओगे तो मैं उसकी परीक्षा लेने की कोशिश करूंगी। मेरे पिताजी के एक शिष्य आनंदन त्रिवेदी से मिलने के लिए मैंने किसी को भेजा है, वो मुझे कभी कभी चुड़ैल कहकर भी बुलाते हैं। वो आएंगे या नहीं ये मैं नहीं जानती हूँ, फिर भी तुम लोग किसी भी तरह समझा बुझा कर आरती को यहाँ लाने की कोशिश करना। तुम जो कह रही हो वो सब ठीक है, लेकिन मैं इस तरह के गलत मंत्रों का जाप नहीं करता हूँ। मैं जानती हूँ, मेरे पिताजी के शिष्य भी धर्म कर्म का ही काम करेंगे, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन इस तरह से दुष्ट आत्माओं का विनाश कर पाएंगे क्या? पता नहीं, पर मुझे विश्वास है ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं ज्यादा परेशानी ना हो। मुझे इस बात का कोई डर नहीं, प्रधान तांत्रिक की बेटी हूँ। इसीलिए तो तुम्हारे बुलाते ही मैं चला आया। सिर्फ इतना ही नहीं, लगता है मेरे गुरु की आत्मा मुझे आदेश दे रही है कि माणिकपुर की लड़की को किसी भी तरह बचाना होगा। अगर ऐसा है तो आपको मेरे साथ रहना होगा। किसी भी वेदा में, किसी भी अनुष्ठान में, किसी भी उन्निषद में हम जो भी विधि करते हैं, उससे विपरीत इस दुष्ट आत्मा को मिटाने के लिए हमें वेद पाठ और जाप करने होंगे। मैं समझ गया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर होम जाप के लिए आप तैयार हो जाइए, मैंने आरती को लाने के लिए उन्हें भेजा है। आने दो, लेकिन आज का दिन बहुत संभल कर रहने का दिन है, क्योंकि आज की रात अमावस्या की रात है। जानती हूँ।
आरती अभी कैसी है? अभी डरने वाली तो कोई बात नहीं। हमें उसे देवी के आश्रम लेके जाना होगा, आज रात ही वो दुष्ट आत्मा को खत्म करेगी। नमस्ते, मेरा नाम मित्रण है, देवी के घर से आया हूँ। आनंदन त्रिवेणी गुरुजी ने एक संदेश देने के लिए भेजा है। क्या बात है? बोल रहे थे सौमेनी देवी के आश्रम में इस घर की लड़की पर से आत्मा हटाने का इंतजाम कर रहे हैं। जब तक वहाँ पूजा चलेगी तब तक इस घर के काली मंदिर में दिया नहीं बुझना चाहिए, आपको इस बात का ख्याल रखना है। मेरी बेटी को कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? निश्चिंत रहिए, त्रिवेणी जी जैसा बोलते हैं वैसा ही होता है। आप पूजा की तैयारियां कीजिए, मैं चलता हूँ। सुनो, तुम दरवाजा खोलकर दिया जलाने की तैयारी करो, जाओ जल्दी। बेटा, इस परिवार को बिखरने से बचा लो तुम। आंटी आप रहिए, सब ठीक हो जाएगा, बस हिम्मत रखिए। सुन, जा आरती को लेके आ, क्योंकि हमें आश्रम में जल्दी पहुंचना है। हाँ, चल। मैं ही वो वजह हूँ जिसकी वजह से मेरे पिताजी ने अपनी जान गंवा दी। मैं एक पापी हूँ, मुझे क्या हो गया है गोपी, तुम तो बता दो। सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। तुम मुझे दिलासा दे रहे हो गोपी, लेकिन जो भी कोई मुझे देखता है वो मुझसे डर रहा है। गोपी, चाहे मुझे कोई भी छोड़कर चला जाए लेकिन तुम मत जाना। गोपी, कभी नहीं जाऊंगा, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सच में? सच कह रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हमें वो देवी के आश्रम में जाना है, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। वहां जाने के बाद थोड़ी बहुत पूजा पाठ होगी बस। नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना है? इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है आरती। कौन सा रास्ता बता, कौन सा रास्ता बोलना। आरती, तो तू ही चला जा। मैं उनके पास तुम्हें लेके ही जाऊंगा, उनसे मैंने वादा किया है। क्या बोला तूने आरती? क्या बोला तूने? क्या बोला तूने? मैं तुम्हें यहां से मार डालूंगी। हे भगवान, किसी तरह मेरे बच्चे को बस ठीक कर दे। किसी को बताए बिना लकड़ी का दिया जलाकर इस तरह अखंड यज्ञ का अनुभव आपके लिए नया है। यहाँ के लोगों को सातवें यज्ञ करने की सुविधाएं नहीं है ना? स्वामिनी देवी के अखंड यज्ञ में तो ज्यादातर बुरी आत्माएं आसपास भटकती रहती हैं, ये तो तुम्हें भी पता है। चरण की पूजा करना, अंग के दर्शन करके अभिषेक करना, यहाँ की मूर्ति को बकरे का खून और देशी शराब पिलाकर पूजा करना आम बात है, लेकिन चिन्मय इस भैरव की शक्ति से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली वो काली देवी से वो खून की प्यासी चुड़ैल नहीं बच पाएगी। जो भी हो अच्छा हो, यही प्रार्थना है। यहाँ पर रख दो। ये तो वही। छोड़ो,
छोड़ो मुझे। जल्दी ले चलो, अंदर लेके चलो, देर हो रही है। तुम्हारी दुष्ट तांत्रिक देवी को क्या बिगाड़ने वाली है मेरा, मैं भी तो देखूं। जाओ जाकर बुलाओ दुष्ट देवी, मैं भी देख लूंगी उसे। बुलाओ तुम्हारी देवी को, बुलाओ। आरती, हमें अंदर चलना है आरती, अंदर चलो। मैं कह रही हूं ना, बुलाओ, जाओ बुलाओ। अच्छा तो ये है, और नजदीका वहां क्या खड़ी है? हाँ, माणिकपुर परिवार में दाखिल होने वाली वेश्या है तू, गंगा, है ना? मैं ही हूँ वो। यमगंड भैरवा, आज अमावस्या है और तू मुझे मिटाने का सोच रही है। मुझे मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। वो देखो, तुम एक चुड़ैल आत्मा हो गंगा, तुम इस मासूम बच्चे के शरीर से जाओगी कि नहीं? नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मुझे यहाँ से कुछ लोगों को लेकर जाना है। उस परिवार की आखिरी वारिश उन्नी कृष्णन को भी तुम अपने साथ ले गई। जलाया था उसके साथ मुझे और क्या करना चाहिए? तुझे इस शरीर को छोड़ना ही होगा। तुम्हें आरती को छोड़ना पड़ेगा, बिना कोई हानि पहुंचाए। इसे तो मैं लेकर ही जाऊंगी। तू चली जा यहाँ से। नहीं जाऊंगी। देखो, मैं एक बार फिर तुमसे पूछ रहा हूँ, वरना तुम्हें मिटाने वाले इस अखंड पाठ का मैं गवाह बन जाऊंगा। तुम आरती के शरीर को छोड़कर जाओगी कि नहीं? मैंने कहा ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। सौम्यनी, इस दुष्ट आत्मा से बात करके कोई फायदा नहीं। अब तो जो भैरव की इच्छा।
ये पुनर्जन्म की तरह लग रहा है। इस बच्ची के पूर्वजों ने जरूर कोई पुण्य किया होगा जो बुरी आत्मा इसके शरीर से चली गई। अब वो बुरी आत्मा आरती को कभी परेशान नहीं करेगी। आप लोग इसे ले जा सकते हैं। आरती, 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 चलो, चलो आरती। इस बच्ची को इस आश्रम से जल्दी से ले जाओ। चलो जल्दी करो, यहाँ से जल्दी निकलना है। चलो, अब डरने की कोई बात नहीं है। चलो। चली गई।